स्टार्ट रिकॉर्डिंग। लास्ट ईयर जैसा ही अब चीजें हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन क्लास होगा और उसके बाद जो लास्ट ईयर हो रहा था जिस टाइप से, ठीक है, वो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड। दो मिनट रिकॉर्डिंग में ये हो रहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे वो बहुत कम हो रहा था, तो इसीलिए तो मैं शुरू करता हूं। हाँ, मगर मैं इतना याद रखो कि मैं कॉन्टिन्यूटी नहीं कराऊंगा। हाँ, मैं कॉन्टिन्यूटी नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्टली सॉरी लिमिट नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्टली कॉन्टिन्यूटी में शुरू कर रहा हूं। लिमिट को ऑलरेडी तुम लोग को भेज दिया गया है, लास्ट ईयर का रिविजन सीट एक रिविजन वीडियो एक बार वो देख सकते हो। सुनाई दे रहा है? लास्ट बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो अब शुरू कर देता हूँ। हाँ, तो कॉन्टिन्यूटी क्या चीज है? हाँ, कॉन्टिन्यूटी का वेग मीनिंग ये होता है कि तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो बिना हाथ उठाए हुए उसके डोमेन में। जैसे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मगर अगर मैं कोई एक पॉइंट में बोलूं तो ये पॉइंट ए में कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ए में मुझे हाथ नहीं उठाना पड़ा, मगर ये ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ये बी ले लेता हूं, ये तो ये एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मुझे बी में हाथ उठाना पड़ा। तो हर समय तो तुम ग्राफ बना के नहीं बोल सकते हो। जैसे तुम ग्राफ बना के बोलोगे तो अगर मैं तो अगर अगर क्वेश्चन आता है कि ग्राफिकली आता है तो तुम y इज इक्वल टू साइन x, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूस का ग्राफ ऐसा था नहीं क्या? मगर वही y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन discontinuous. मुझे हाथ उठाना पड़ रहा है तो ये फंक्शन क्या हुआ? ये discontinuous हुआ और ये continuous हुआ, ठीक है? मगर ग्राफिकली हर समय तुम्हें नहीं करना है। तो सर कैसे पता चले? तो मैं ऊपर दोबारा जा रहा हूं और अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। जब तुम इस साइड में रहते हो तो ये a माइनस, यहां से जब a में आते हो तो इसे a माइनस कहते हो। जब तुम a माइनस से जिस वैल्यू में आ रहे हो, जब तुम यहां से a की ओर आते हो तो इसे a प्लस राइट हैंड लिमिट कहते थे। यहां से जिस वैल्यू में आ रहे हो और a, ये वाला वैल्यू, ये तीनों एग्जैक्टली सेम है। मतलब यहां पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस f ऑफ x इज सेम एज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस f ऑफ x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a, ये तीनों सेम है। ऐसा होने से तुम बोलोगे, और इसे फाइनाइट भी होना पड़ेगा, इनफाइनाइट नहीं, ये सब फाइनाइट होना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। मगर यहां पे क्या क्या यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है? अगर मैं इसका नाम एल वन दू और इसका नाम एल टू दू तो तुम यहां पे क्या देख रहे हो? तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए प्लस एफ ऑफ एक्स ये एल वन देख एल टू दे रहा है और b प्लस अगर इस साइड से आओगे और इस साइड से आओगे तो लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस f ऑफ x ये तुम्हें l1 दे रहा है। इज इट सेम? नो, यहां पे हम देख रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू b प्लस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस f ऑफ x। तो क्या बोलोगे? f ऑफ x इज क्या? दिस कॉन्टिन्यूस एट कहां पे? x इक्वल टू b। तो मैथमेटिकली हम लिमिट से देखते हैं, अगर लिमिटिंग वैल्यू हर समय सेम हो, और केवल लिमिटिंग नहीं, वो वैल्यू फंक्शनल के भी इक्वल होना पड़ेगा रे, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और अगर नहीं होता है तो डिसकॉन्टिन्यूस है। तो तुम्हें इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, मैं नीचे जा रहा हूं, ठीक है, एक एक करके मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, तुम लोग लिखोगे, इसे लिखने का भी जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। चलो, तो डेफिनेशन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a इफ क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस f ऑफ x इज सेम एज
लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ a. किसी को लिखना है तो लिख लो, और इसे फाइनाइट होना पड़ेगा. नीचे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, जो मैंने ऊपर वाला दिया था मैं नीचे भी ड्रॉ कर रहा हूं. ये a, तो ये a माइनस है, ये a प्लस है, और हर जगह एक वैल्यू है. किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइमर मैं लगा देता हूं एक मिनट का. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. बहुत आसान टॉपिक है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बहुत आसान टॉपिक है. और तुम लोगों में से, हाँ बोलो. सर हमने लास्ट ईयर जो लिमिट एग्जिस्ट का जो मतलब वो कंडीशन लिखा था, सर कंडीशन वही सेम है? लिमिट देख, लिमिट में ना अंतर है. लिमिट में मैं अभी उसमें आऊंगा, लिमिट में इसका जरूरत नहीं पड़ता था, आया समझ में? हाँ सर. लिमिट में एफ ऑफ ए नहीं आता था. लिमिट मतलब केवल लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. मगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों सेम होना पड़ेगा. ओके सर. ये डिफरेंस है. लिमिट में हमें केवल लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चाहिए होता है. मगर जब तुम कॉन्टिन्यूटी का बात करते हो तो तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आगे चलो. यस सर. यस सर. मतलब टेक्निकली तुम कह सकते हो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इज सेम एज इट्स फंक्शनल वैल्यू. फंक्शनल वैल्यू मतलब एफ ऑफ ए, फंक्शन वैल्यू मतलब एफ ऑफ ए. तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम हो एंड फाइनाइट, और इनको फाइनाइट भी होना पड़ेगा. किसी को लिखना है तो लिख लो. तो लैंग्वेज में अगर लिखना है तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम होना पड़ेगा, और इसको फाइनाइट होना पड़ेगा. चलो आगे चलूं. यस सर. यस सर. ठीक है चलो. तो प्रॉब्लम चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin x by x plus cos x if x is less than 0, 2 if x is equal to 0, twice x plus 2 if x is less than 0. चलो. अरे मुंह जवानी बोल पाओगे? फंक्शन कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस है? मुंह जवानी, ये सब को मुंह जवानी बोलो. यहां पे लिमिट लगाओगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? कॉन्टिन्यूस ही होगा. टू होगा ना, मतलब मुझे जवानी. हाँ, यहाँ पे भी जब x tending towards 0 करोगे तो वैल्यू क्या होगा? टू. तो इसलिए तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं जिसको मैं f of 0 माइनस कहता हूँ, तो ये होगा लिमिट x tending towards 0 माइनस sin x by x plus cos x. और तुम लोगों ने अभी देखा sin x by x का वैल्यू 1 था, cos x का cos 0 1 था, तो इसका वैल्यू 2. राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस, तुम राइट हैंड साइड से आ रहे हो. तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस साइन तरीका, जीरो प्लस में कौन सा वैल्यू ले रहा है? ट्वाइस एक्स प्लस टू, तो ये टू इंटू जीरो प्लस टू, तो ये भी क्या आया? टू. और फंक्शन वैल्यू क्या है एफ ऑफ जीरो? तो एफ ऑफ जीरो भी टू है. तो अगर तीनों सभी टू हो गया तो मुझे बोलोगे देयरफॉर क्या मिला? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो. तो हेंस क्या बोलोगे? एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो. तो किसी को लिखना है तो लिख लो. अब मतलब कॉन्टिन्यूटी का थ्योरी यहीं पे खत्म हो गया. तो बोले क्या बात बोल दो सर, एक समय आपने खत्म कर दिया.
अब लिमिट का थ्योरी बाकी है, थोड़े लंबे सम्स होंगे, लिमिट के सम्स होंगे, मगर कॉन्टिन्यूटी यहीं पे खत्म है। तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, तुम राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तुम फंक्शनल वैल्यू निकालोगे, इसका वैल्यू सेम होना पड़ेगा। आगे चलूं? यस सर, यस सर, यस सर। चलो दो मिनट को चलो आगे चल रहा हूं। मगर अब कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x plus mod x, twice x plus mod x divided by thrice x if x is not equal to 0 and 1 by 3 if x is equal to 0 and 1 if x is equal to 0. अब यहां पे बोलो, अब देखो यहां पे अब जानबूझ के इन लोगों ने ऐसा किया है, मगर मॉड होने के कारण मेरे ख्याल में लिमिट में हम लोग जानते थे डायरेक्टली लिमिट निकाल सकते हो या लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे राइट हैंड लिमिट लोगे? याद आ रहा है ना, मॉड होने के कारण, मॉड होने के कारण तुम्हें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ही लेना होगा यहाँ पे, तुम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बोल सकते हो कुछ। तो इसका मतलब है मॉड होने के कारण सबसे पहले मैं एफ ऑफ जीरो प्लस निकालता हूं, तो क्या निकला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो प्लस में भी यही वैल्यू लेगा, जीरो प्लस मतलब एक्स जीरो से बड़ा, तो एक्स अगर जीरो से बड़ा तो मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, तो ये कैसा दिखेगा, ट्वाइस एक्स प्लस एक्स बाय थ्राइस एक्स इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ जीरो माइनस कैसा दिखेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस में मॉड एक्स कैसा दिखेगा, एक्स लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स माइनस एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, एकदम आसान टॉपिक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कैंसिल करोगे वन बाय थ्री, क्या बोलोगे और फंक्शनल वैल्यू क्या है, फंक्शन वैल्यू वन मिला, तो मगर एक प्रॉब्लम हो गया ना, क्या यू गॉट एफ ऑफ जीरो माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो फंक्शन को क्या बोलोगे, दिस डिसकंटीन्यूअस सेट एक्स इक्वल टू जीरो, किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलूंगा। आगे चलो, यस सर, ठीक रुक जाता हूँ, ठीक है चलो 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ।
आगे चलूं आप, मगर हर समय तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा ये जरूरी नहीं है रे। हम जानते हैं कि नॉर्मली अगर मॉड नहीं रहता है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रहता है, एल्जेब्रिक रहता है, तो हम डायरेक्टली लिमिट निकालते थे। तो देयर इज एक ये भी टाइप है जहां पे तुम डायरेक्टली कह सकते हो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a इफ डायरेक्टली, अब मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं, इज इक्वल टू एफ ऑफ a, और ये फाइनाइट होना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये सब पूछता हूं कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुम लोग खुद अभी चेक करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बाय एक्स माइनस थ्री एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और फाइव एन एक्स इक्वल टू जीरो, तो ऐसे फंक्शन में क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड या डायरेक्टली बोलते थे, याद आ रहा है? ऐसे समय तो डायरेक्टली था ना रे, क्योंकि ना तो इसमें लेफ्ट हैंड में भी सेम वैल्यू लेगा राइट हैंड में भी सेम वैल्यू लेगा, तो ऐसे सम के लिए तुम लोग क्या करोगे? ऐसे सम के लिए बस ऐसे सम के लिए अब ये वाला डेफिनेशन मैं यूज करूंगा। तो अब तुम लोग के हाथ में तो पेन होगा ही, तो इसका वैल्यू बोल दो क्या निकला, खुद निकाल के एक बार, बाद में फेयर करके लिख देना वैल्यू क्या निकला मुझे ये बोलो। क्लास -2 तो क्या कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? x माइनस थ्री क्या निकला, x माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री, ये और ये कैंसिल हो गया तो x प्लस टू तो जीरो प्लस टू ये टू निकला, मगर एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या निकला बोलो, फाइव। क्या दोनों सेम है? नो सर। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। विजुलाइज भी कर पा रहे हो ना क्या होने वाला है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं है। तुम बोलोगे नहीं सर इसे विजुलाइज करने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है मैं बता रहा हूँ क्या होता है। तब ऐसे फंक्शन का ग्राफ तब ऐसा होगा, देखो ध्यान से। हाँ और ए में ये कोई एक अलग वैल्यू लेगा, इस वैल्यू का नाम K1 है, इसका वैल्यू K2 है। तो बोलो ये ग्राफ जब मैं बना रहा हूं मुझे हाथ उठाना पड़ रहा है या नहीं? Yes, sir. मगर देखो इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होने वाला है? सेम हो रहा है नहीं? तो मतलब ये वाले केस में तुम क्या देख रहे हो, इस वाले केस में देख रहे हो कि अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू से f ऑफ x बोलूं तो मुझे इसका वैल्यू बोलोगे क्या होगा, K1 या K2? K1। लिमिटिंग वैल्यू कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू K1 होगा, मगर f ऑफ a का वैल्यू क्या दिया हुआ है? K2। तो हेंस क्या हुआ तब, लिमिट x टेंडिंग टू से f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, तो हेंस फंक्शन क्या आया बोलो, डिसकंटीन्यूअस। मैं टाइम दे दूंगा ये लिखने के लिए, ये और उसमें थोड़ा अंतर है रे, इससे पहले वाला डेफिनेशन में ये डिसकंटिन्यूटी था। हाँ ये डिसकंटिन्यूटी था, मतलब दोनों ही डिसकंटिन्यूटी है मगर दोनों में दिखने में थोड़ा अंतर है। हाँ अब किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूं, ये लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं 45 सेकंड्स का। मैं जान रहा हूं कि किसी किसी के स्कूल में मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट शुरू हुआ है, मगर मैट्राइसिस जिनके स्कूल में शुरू हुआ है उन्हें समझ में आ रहा होगा, वो वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग चैप्टर है, मतलब मैं मैट्राइसिस को इंटरेस्टिंग बना ही नहीं सकता हूं, तो इसलिए मैं पहले कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी खत्म करता हूं ताकि तुम लोग को भी इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ नहीं क्लास 12th में अच्छा टॉपिक है, उसके बाद फिर मैं डिटर्मिनेंट करवाऊंगा, फिर मैं मैट्राइसिस करवाऊंगा और फिर AOD में जाऊंगा। चलो लिखना है तो लिख लो। मतलब तुझे हाथ कहाँ किस पॉइंट में उठाना पड़ रहा है? जीरो पे। ये कहा तो ये यहाँ पे तू कहाँ पे उठा रहा है हाथ, कौन से पॉइंट में उठा रहा है, एक्स के कौन से वैल्यू में हाथ उठा रहा है यहाँ पे? तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, मतलब मुझे कहां हाथ उठाना पड़ा, आया समझ में? हाँ सर। तो वो मैं जैसे अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये रहा ये वन है, ये रहा ये रहा ये रहा और फिर ऐसा रहा ये फाइव है,
तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिस्कॉन्टिन्यूस है, कोई बोलेगा? तुझे बोलना होगा ना, बस डिस्कॉन्टिन्यूस नहीं, डिस्कॉन्टिन्यूस एट कहाँ कहाँ डिस्कॉन्टिन्यूस है, मतलब हाथ कहाँ कहाँ उठाया, मतलब वन और फाइव को छोड़ के कोई दूसरा पॉइंट में बोलो, जैसे ये टू में, टू में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है डिस्कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे तो इसीलिए तो वो, इसलिए जब मैं एट लिख रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे डिस्कॉन्टिन्यूस है, पूरे आर में ये डिस्कॉन्टिन्यूस नहीं है, किसी एक पॉइंट में डिस्कॉन्टिन्यूस है, आया समझ में? यस सर। अब सर आपने जीरो में ही क्यों चेक किया? हाँ जीरो में ही क्यों चेक किया, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट कहाँ हो रहा था, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू कौन से ब्रांच में ले रहा है, जीरो में ले रहा है, देखो जब जीरो नहीं है तो ये है, जब जीरो है तो ये है, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट जो होगा, मैं ये सम को देख के पकड़ रहा हूँ कि केवल जीरो ही हो सकता है, इसीलिए मैंने जीरो में चेक किया, इज इट ओके? यस सर। यस सर। आगे चलूं? यस सर। सम ये नहीं था रे, सम कोई दूसरा था, हाँ सम ये नहीं था, सॉरी, हाँ ये सम अब तुम लोग खुद करोगे, ठीक है? और नहीं, ये सेम सम करवा के फायदा नहीं है, कुछ अलग करवाता हूँ, रुक जाओ, ये करो एक बार, प्रॉब्लम अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री एंड फाइव एक्स एक्स इज इक्वल टू थ्री, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू थ्री, इसमें चेक करो तो सम ये था, हाँ मैंने गलती से वो सम लिख दिया था, इसलिए जब लिमिट x टेंडिंग टू थ्री करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू बाय एक्स माइनस थ्री कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस टू फाइव विच इज सेम एज, क्या मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, एफ ऑफ थ्री दोनों सेम है तो क्या बोलोगे, फंक्शन इज Continuous at x equal to 3. Is it okay? चलो आगे चलता हूं. अब ये तो algebraic है. अब trigonometry में आते हैं. If f of x is equal to 1 minus cos x by x square, if x is not equal to 0, 1 if x equal to 0, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो. चलो अब ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो क्या बोलते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या डायरेक्ट? डायरेक्ट. सॉरी, डायरेक्ट. तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, क्या तरीका था याद है? अभी डायरेक्टली डालोगे तो जीरो बाय जीरो फॉर्म था. तो दो तरीका था, एक तरीका था वन माइनस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, किस से? वन प्लस कॉस एक्स से. क्या फायदा था? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर वन प्लस कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन इंटू वन बाय वन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाय टू, मगर फंक्शनल वैल्यू क्या है? One. तो क्या बोलते हो, लिमिटिंग वैल्यू क्या मिला? लिमिटिंग वैल्यू तुम्हें मिला वन बाय टू, मगर फंक्शनल वैल्यू क्या मिला? वन. तो हैंस फंक्शन कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस? डिसकॉन्टिन्यूस. ये सेम नहीं है तो इसलिए फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछोगे.
चलो आगे। यस सर। ठीक है, रुक जाता हूँ, 15 सेकंड का एक टाइमर दे देता हूँ। चलो आगे चल रहा हूँ। चलो आगे। यस सर। ठीक, तो मैं एक बार हर टाइप का सम करा के देना चाहता हूँ। हाँ, तो आप कभी कभी एक्सपोनेंशियल देखोगे, आप ट्रिग्नोमेट्री में और भी आएगा। हाँ, कभी एक्सपोनेंशियल देखोगे तो जैसे अगर मैं कहूँ कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 4 to the power 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। चलो अब बोलो यहां पे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या डायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट, ठीक है। तो जब मैं डायरेक्ट लूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 4 to the power 1/x, तो इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स अगर 0 की ओर जा रहा है तो 1/x का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। अगर मैं नेगेटिव साइड से जाऊं तो तब भी इन्फिनिटी या तब माइनस इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ऐसे फंक्शंस जो होते हैं बाय डिफॉल्ट ये मौत जैसा फंक्शन है। आया समझ में? तुम ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें यहाँ पे दो वैल्यू देखना होगा। क्या एक्स 0 प्लस की ओर से जा रहा है? क्योंकि अगर 0 प्लस है तब एक्स पॉजिटिव है, और तब तुम 4 to the power infinity लिखोगे, और 4 to the power infinity का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। मगर जब तुम 0 माइनस की ओर से जाओगे क्योंकि एक्स नेगेटिव है, तब ये 4 to the power infinity नहीं, क्या देगा? 4 to the power क्या? माइनस इन्फिनिटी। तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 to the power infinity, तो 1/infinity = 0। तो अब मुझे बोलो क्या ऐसा सम अब जब देखोगे क्या करोगे, डायरेक्ट या लेफ्ट हैंड राइट हैंड? लेफ्ट हैंड राइट। तो चलो, तो अब मैं नीचे निकाल रहा हूँ, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ 0 माइनस, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो क्या वैल्यू लेगा? 4 to the power 1/x, मतलब 4 to the power -infinity = 0। मगर इसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा, एफ ऑफ 0 प्लस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 4 to the power 1/x, 4 to the power infinity। किसी को डाउट है तो बोलेगा रे, तो दोनों सेम नहीं आया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो डायरेक्टली बोलोगे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। किसी को कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलेगा, वो पूछना तुम्हारा हक है, नहीं पूछोगे तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन।
समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मैं तीन समझे रहा हूं तुम लोगों को करने के लिए, अभी करोगे। दो मिनट ट्राई करोगे? यहां पे इस टाइप से दिया हुआ है। हाँ तो ये नॉर्मली एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू ये है, मतलब वही चीज है जो मैं करवा रहा हूं। बस अब यहां पे ऐसा नहीं देखे क्योंकि ये ज्यादा स्पेस लेता है, उन लोगों ने इस टाइप से दिया है। हाँ तो अब मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर वन क्या आ रहा है। मैं 45 सेकंड दे रहा हूं वन के लिए, डायरेक्टली निकालोगे ना, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस तो कैसे, डायरेक्ट या लेफ्ट हैंड राइट हैंड? लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो अगर लेफ्ट हैंड जीरो माइनस निकाला तो क्या आया? एक्स स्क्वायर बाय मॉड एक्स। तो इसका मतलब ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर बाय मॉड एक्स के बदले माइनस एक्स। तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, जीरो। और वैसे ही जीरो प्लस निकाल के देखोगे अगर एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय मॉड एक्स, मगर जीरो प्लस में मॉड का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय एक्स, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स, तो ये जीरो, दोनों सेम है। ठीक है चलो नंबर टू वाला देखो, टू के लिए 45 सेकंड दे रहा हूं। डिसकंटिन्यूअस नीचे जा रहा हूं मैं जरा। हाँ टू करूं या हो गया सबका? डिसकंटिन्यूअस हो गया सर, हो गया सर। किसी को डाउट है टू में? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर से वो निकले डाउट, वो पूछने में शर्माने वाला बात अलग है, फीस सबने सेम दिया है। करा दीजिए एक बार। तो जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, और नहीं सॉरी सेकंड वाले में क्या, लेफ्ट हैंड राइट हैंड या डायरेक्ट करोगे? डायरेक्ट, क्योंकि साइन है तो डायरेक्ट करोगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x इंटू टेन ट्वाइस x डिवाइडेड बाय साइन थ्री एक्स साइन फाइव एक्स। अभी अगर डालोगे तो जीरो बाय जीरो, टेन ट्वाइस एक्स को वन होने के लिए किसका जरूरत था, टेन ट्वाइस एक्स को वन या टू होने के लिए एक्स का जरूरत था। मैंने एक एक्स दे दिया तो एक एक्स स्क्वायर हो गया। साइन थ्राइस एक्स को किसका जरूरत है, एक मानविंद्र समझ में आ रहा है? ये सर आ रहा है। इंटू एक्स स्क्वायर, क्या फायदा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब मुझे कलर कोडिंग, रेड वाले का वैल्यू क्या आया, टेन ट्वाइस एक्स बाय टू है, तो टू डिवाइडेड बाय, मैं फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ। तुम बोलोगे सर आप लिमिट का फॉर्मूला नहीं लिखा है, वो ऑलरेडी मैंने दे दिया है, मैं जान मुझ के वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ टू बाय फाइव थ्री जा 15, और यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, टू बाय 17, एफ ऑफ जीरो टू बाय 17, दे आर नॉट इक्वल, तो हेंस फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, और नीचे वाले में जाना है तो नीचे वाले में जाओ, मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मैं फिर से तुम्हें बोलता हूँ, ठीक है, लिमिट का फॉर्मूला मैं नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि लिमिट मैंने ऑलरेडी तुम्हें अच्छे तरीके से डिटेल्स में करवा दिया गया था, लास्ट संडे भेजा गया है। हाँ ताकि उस चीज का इंपॉर्टेंस तुम समझो, क्योंकि इस साल मैं वो काम करूंगा, मैं इस साल टॉपअप वीडियो बीच बीच में दूंगा तुम लोगों को, कि बीच बीच में तुम्हें रिकॉर्डिंग भी देखना होगा। ठीक है कॉन्सेप्ट यहीं पे दे दूंगा,
कॉन्सेप्ट यहीं पे दे दूंगा, मगर तब भी मैं एटलीस्ट 5-6 सम्स को रिकॉर्डिंग करके भेज अपलोड करूंगा। आगे चलो, टाइम है सर। थर्ड वाला भी डिसकंटिन्यूअस, थर्ड वाला भी डिसकंटिन्यूअस। तो थर्ड वाला ये कोई लोग लिख रहे थे इसलिए मैं, ठीक है, थर्ड वाला आया, मैं थर्ड वाला यहाँ पे दे रहा हूँ और टाइम भी दे रहा हूँ। जो लोग ऊपर वाला लिख रहे थे, अगर मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालोगे सर? cos a minus cos b का फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 4x डिवाइडेड बाय x into sin 2x। अगर अभी डालोगे तो देखो ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, तब तो रिड्यूस करना होगा। तो cos a minus cos b का एक फॉर्मूला था मेरे पास, कॉस ए माइनस कॉस बी का, ये था माइनस टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाय टू। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं तो माइनस टू इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू 7x बाय टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाय टू माइनस एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स इंटू साइन ट्वाइस एक्स। अब देखो, ध्यान से देखो, सब साइन के टर्म में है तो सबको फाइनाइट होने के लिए x का जरूरत है। ये जो माइनस है ये माइनस बाहर निकल सकता है क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा था। तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 इंटू साइन 7x बाय 2 को एक x से डिवाइड कर देता हूं, साइन x बाय 2 को एक x से डिवाइड कर देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, नीचे साइन ट्वाइस एक्स है तो एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। क्या फायदा? इस रेड वाले का वैल्यू क्या होगा? 7/2। इस ब्लू वाले का वैल्यू क्या होगा? 1/2। और इस पिंक वाले का वैल्यू क्या होगा? 2। सब कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए ये क्या होगा, 2 × 7/2 × 1/2 डिवाइडेड बाय 2, खेला खत्म। अब फंक्शनल वैल्यू निकाल के देख लेना सेम है या अलग है। ये 2 कैंसिल करो तो ये 7/4 आया और फंक्शनल वैल्यू भी क्या है देखो, 7/2। तो हेंस क्या बोलोगे, फंक्शन कंटीन्यूअस। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, हाँ चुपचाप बैठे रहोगे तो उससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। किसी भी स्टेप में डाउट है मुझे पूछोगे। आगे चलो, यस सर, यस सर, ठीक है। अब मगर ऐसा थोड़ी ना है कि हर समय जीरो में ही आएगा, नॉन जीरो वैल्यूज भी तुमसे पूछा जा सकता है, नॉन जीरो वैल्यूज में भी तुम्हें चेक करने के लिए बोला जा सकता है। जैसे चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दो मिनट cos x by
pi minus twice x if x is not equal to pi by 2, and 3 if x equal to pi by 2. चलो तो अगर pi by 2 में चेक करना है तो आप मुझे बोलो क्या बोलते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या डायरेक्ट? और किसी को डाउट है तो बोलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, चार बंदे आंसर देते हैं, मगर दैट डजंट मीन हाँ तुम लोगों में से किसी को भी अगर डाउट है डायरेक्ट क्यों होगा तो मुझे बोलोगे, ठीक है? तो डायरेक्ट अगर, क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे मैं जो भी करूं सब हर समय मुझे यही वैल्यू मिलेगा, इसका कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसीलिए अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट में जाता हूं तो वो होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, ओ सॉरी दैट तरीका, डायरेक्ट मैं खुद ही पूछ रहा हूं और फिर देखो मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड में जा रहा हूं सॉल्यूशन। तो मैं अगर डायरेक्ट जाऊं तो मुझे पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा, कहां पे, जीरो में या पाई बाय टू में, मुझे कहां चेक करना है, पाई बाय टू में, तो मेरा लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स क्या, पाई बाय टू, तो एक्स अगर पाई बाय टू की ओर जा रहा है तो कौन सा वैल्यू ले रहा है फंक्शन, ध्यान से देखो, एक्स पाई बाय टू की ओर जा रहा है, पाई बाय टू है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स पाई बाय टू की ओर जा रहा है, वो पाई बाय टू नहीं है, तो वो ये वाला वैल्यू लेगा, तो इसका वैल्यू होगा कॉस एक्स बाय पाई माइनस ट्वाइस एक्स। क्या याद है ऐसे सम को सॉल्व करने का क्या तरीका था, सब्स्टिट्यूशन, क्या क्या करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू क्या ले लो, तो x अगर पाई बाय टू की ओर जाएगा तो इसका मतलब थीटा किसकी ओर जाएगा, जीरो की ओर, तो डायरेक्टली, तो इसका मतलब है कि ये वाला कैसा दिखेगा, नंबर वन इम्प्लाइज, यहीं पे लिखने का मन है मुझे, हाँ अननेसेसरी इसे नीचे कर दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, तो ये तब कैसा दिखेगा, लिमिट, ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगा रहा हूँ, थीटा टेंडिंग टू जीरो, कॉस ऑफ x के बदले क्या लिख सकते हो, ये सब तो पाई बाय टू माइनस थीटा डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू, एक्स के बदले क्या लिखोगे, पाई बाय टू माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टू टू पाई पाई कैंसिल डिवाइडेड बाय ट्वाइस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो गया, one. इसका वैल्यू, क्योंकि थीटा टेंडिंग टू जीरो है वन, तो आंसर वन बाय टू होगा, क्योंकि एक टू है देखो ये, तो आंसर वन बाय टू, मगर लिमिट फंक्शनल वैल्यू क्या है, थ्री, तो क्या बोलोगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, एफ ऑफ थ्री वैल्यू है और दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय जीरो में ही निकालने में बोले, कहीं कहीं भी हो सकता है, ये तुम्हारा समय, किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो, हक है तुम्हारा पूछना। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में लिमिट्स करवा दिया है तुम लोग को, समझ में आया, ताकि तुम्हें ये टॉपिक आसान लगे, मगर इतने कम बंदों ने चीजें को किया कि मैं डर गया कि नहीं, बिठा के करवाना इंपॉर्टेंट है। डिस्कंटीन्यूअस एट पाई बाय टू होगा, डिसकॉन्टिन्यूस एट पाई बाय टू, आगे चलू, यस सर, यस सर। फाइंडिंग कॉन्स्टेंट वाले सब, हाँ, अब कभी कभी क्या होगा, तुम्हें पूछा जाएगा कि कांस्टेंट फाइंड करो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जैसे प्रॉब्लम आएगा कि फाइंड ए एंड बी इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है थ्राइस से एक्स प्लस बी अगर एक्स वन से छोटा है, 11 अगर एक्स का वैल्यू वन है, और 5ax माइनस ट्वाइस बी अगर एक्स वन से बड़ा है, तो अब मुझे बोलो क्या करोगे, ये उल्टा क्वेश्चन हो गया नहीं क्या, यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि पूछो कि क्या ए और बी निकाल सकते हो, तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो क्या सीम होगा बोलो,
अब पहले जब तुम सम को देखते हो तो तुम्हें दिमाग में क्या आता है, डायरेक्टली लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट? लेफ्ट एंड राइट। और कहाँ पे? जीरो में, वन में, फाइव में, कहाँ पे? सबको डाउट, सबका डाउट, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसलिए तीन केस लेना होगा। सबसे पहले वन से छोटा थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट वन माइनस, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या वैल्यू लेगा? वन माइनस में क्या वैल्यू? हल्ला करो ना, कोई पंगा नहीं है, जिनका माइक्रोफोन आराम से खोल सकते हो। तो थ्राइस ए प्लस प्लस एफ ऑफ वन प्लस में कौन सा वैल्यू लेगा बोलो तो? फाइव ए एक्स माइनस ट्वाइस पी डालोगे तो क्या हो जाएगा ये? फाइव ए माइनस ट्वाइस पी। और एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या हो जाएगा? इलेवन। क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो एफ ऑफ वन माइनस इज सेम एज एफ ऑफ वन इज सेम एज एफ ऑफ वन प्लस, मतलब थ्राइस ए प्लस बी का वैल्यू भी 11 होगा। और आगे छोड़ो ना, आगे तो तुम भी बोलोगे सर क्या बेकार है, सॉल्व करके ए का वैल्यू निकाल लो बी का, किसी को लिखने का मन नहीं लिख लो, ये एकदम इजीएस्ट सम था। हाँ, अब इसी में अब मैं डिफिकल्ट सम कराऊंगा, मैं लॉजिक तो यही रहेगा, अब लॉजिक यही रहेगा, अब तुम्हें ये निकालना होगा अलग अलग तरीके से। आगे चलूं? यस सर। सर ठीक है, चलो जस्ट वेट अ मिनट। चलो फाइंड ए If f of x is equal to a times of sine pi by 2 x plus 1 x less than equal to 0 and tan x minus sine x by x cube x greater than 0 is continuous at x equal to 0. 10 second दे रहा हूं सम लिखने के लिए। चलूं आगे? यस सर। लेफ्ट राइट या डायरेक्ट? डायरेक्ट। लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट। जिसने डायरेक्ट बोला उसके लिए डेडिकेटेड टू हिम। मैं एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू लिखूंगा मुझे ये बोल, ऊपर वाला नीचे वाला, तो डायरेक्ट या लेफ्ट राइट? अब दोबारा बोल। ऊपर वाला। कैसे? अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि x जीरो की ओर जा रहा है। समझ में आ रहा है? जब x जीरो की ओर जा रहा है तब तू कैसे बोल सकता है कि x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है? बोल पाएगा क्या? एम्बिग्यूटी है। तो इसीलिए ये बता रहा है कि तू डायरेक्ट नहीं लेगा, क्या लेगा? लेफ्ट। तो लेफ्ट लू तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, जीरो माइनस में ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर नीचे कहां से आ रहा है तो बोलोगे हाँ, जीरो माइनस का मतलब एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव है तो ये वाला वैल्यू ले रहा है। जब तुम जीरो पुट अप करोगे तो ये डायरेक्टली साइन पाई बाय टू आ रहा है, तो ए इंटू साइन पाई बाय टू, तो इसलिए इसका वैल्यू ए।
फंक्शन वैल्यू क्या, एफ ऑफ जीरो में कौन सा वैल्यू लेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। समझ में आ रहा है, इक्वल टू देखना है कहाँ पे है तुम्हें, अब ये देखना है इक्वल टू कहाँ पे है, ऊपर में। तब डायरेक्टली एक्स का वैल्यू जीरो डालो, जब एक्स का वैल्यू डायरेक्टली ऊपर जीरो डालोगे तो ए इंटू साइन पाई बाय टू और ये जीरो प्लस वन, तो इसलिए ये फिर से ए हो गया। और राइट हैंड लिमिट में अब तो बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो, नीचे वाला ही होगा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस, ठीक है चलो नीचे वाला। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, क्या तरीका था कोई बोलेगा, कोई मुझे बोलेगा क्या तरीका था? दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू साइन एंड कॉस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, क्या कॉमन लोगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस साइन एक्स कॉमन लूंगा, एलसीएम लेता हूं तो क्या मिलेगा, वन माइनस कॉस एक्स, नीचे एक आ गया एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, क्या करूंगा वन माइनस कॉस एक्स, देख के दिमाग में कुछ आ रहा है क्या, वन प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या फायदा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स वन माइनस कॉस एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स के साथ वन प्लस कॉस एक्स, क्या फायदा? साइन ये क्या हो जाएगा, ऊपर साइन क्यूब एक्स है नीचे एक्स क्यूब है, तो वन कॉस जीरो का वैल्यू वन इंटू वन प्लस वन, तो दिस इज इक्वल टू वन बाय टू, तो क्या मिला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, ए, फंक्शनल वैल्यू क्या आया ए, तो लिखने का फायदा जरूरत नहीं है, राइट हैंड लिमिट क्या आया हाफ, खेला खत्म। किसी को डाउट है तो बोलो, काफी छोटा हो जा रहा है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ तक लिखो, मैं धीरे धीरे नीचे लेके जाऊंगा, यहाँ तक लिख लो, मैं आ रहा हूँ, हाँ 30 सेकंड्स में, एक मिनट का टाइम दो। किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ बोल सर, RHL को हम मतलब tan x minus sin x वाले स्टेप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करके निकाल सकते हैं क्या सर? मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे मैं वो डाउट तुम सबका क्लियर करता हूँ, बहुतों को वो डाउट रहता है, ये लिख लेना दो एक बार, मैं 30 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ उसमें। सर बोलते जा सर, अगर यहाँ पर x is equal to 0 नहीं होता तो f of 0 तो निकालने का जरूरत नहीं था। f of 0 तो तुझे हर समय निकालना होगा ना, फंक्शनल वैल्यू मतलब दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे हर समय तुझे, क्योंकि लिमिट में तो तीनों क्वांटिटी में तीनों चीज का जरूरत पड़ता है ना मुझे। ठीक है वो तो मतलब ठीक है, नहीं रहना गलत है, तब रहना ही पड़ेगा, हाँ रहना ही पड़ेगा। चलो आगे चलू, देखो अब जो जिसका डाउट था उदयनित्य का ये, हाँ जो ये डाउट है तेरा तू ध्यान से देखा कि अलग अलग, तो अब माइक्रोफोन अगर खोल के रखेगा तो बेटर है, मैं जरा तुझसे पूछूंगा कि क्या कर क्या क्या बोल रहा है तू, क्या करेगा बोल जिसका सर, हाँ। सर tan x को भी x से डिवाइड करेंगे, ठीक है मैं कर रहा हूँ, ठीक है tan x को मैं x से डिवाइड कर दे रहा हूँ और sin x को भी x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मल्टीप्लाइड बाय x होगा, यही करना होगा ना,
ठीक है, तो अब मुझे बोलो वैल्यू डाल क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा? सर वन. इसका वैल्यू सर वन. सबका वैल्यू एक साथ डालेगा ना, सबका वैल्यू एक साथ डालेगा तो डाल क्या आया था? सर जीरो बाय जीरो आ गया सर. तो क्या फायदा हुआ? Yes, क्या, क्योंकि जहां से शुरू किया था वही तो तुझे तेरा मेन आइम है उस चीज को हटाना. तो इसलिए जब ये प्रोसेस इसमें मगर गलत कई बार तुम लोग क्या करते हो कि तुम लोग यहाँ पे वैल्यू नहीं डालते हो, तुम केवल यहीं पे वैल्यू डाल देते हो. ये कैसे होगा? अगर वैल्यू डालोगे तो सब में एक साथ डालोगे ना. चलो तो आगे चलो. ठीक है चलो. अब कभी कभी तुम्हें एफ ऑफ जीरो निकालने के लिए बोलेगा. ये मतलब कॉन्स्टेंट जैसा ही सम होता है कि अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि इफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू थ्राइस एक्स प्लस फोर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू साइन एक्स, एक्स अगर जीरो नहीं है इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, देन फाइंड एफ ऑफ जीरो. ये सम तो ध्यान से देखो, सम पढ़ के देखोगे क्या एक बार? 15 सेकंड दे रहा हूं सम लिखने के लिए ताकि सम पढ़ भी लो एक बार. तो अब मुझे बोलो क्या कह रहा है. एक फंक्शन दिया हुआ है मगर ये कॉन्टिन्यूअस है और पूछ रहा है एफ ऑफ जीरो निकालो, तो क्या थ्योरी निकालोगे? अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? ये गिवन है कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो. अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो इज सेम एज क्या होगा? क्या ये समझ में आया? यस सर. अगर ये समझ में आया तो उसके बाद तो तुम मुझे बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो, क्योंकि अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिख लीजिए. अब ऐसे में मगर वही वाला ट्रिक है जो अभी तूने बोला था मुझे कि ऊपर साइन कॉस दिख रहा है इसलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर देता हूं. तो जब मैं एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये 3/4 साइन एक्स बाय एक्स, मैं एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ सबको. हाँ मैं सबको एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, सबको एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ. तो एक्स 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 कैंसिल हो जा रहा है फर्स्ट टर्म में, 2 साइन एक्स बाय एक्स. क्या फायदा? ये वन तो वैल्यू क्या आया? 3 एस इतना आसान, 4, 5, 6, 7 डिवाइड बाय 7/3. तो hence f of 0 7/3. क्लास 12th में मतलब मैं गारंटी देता हूँ 90 प्लस का मैथ्स, ठीक है? 90 प्लस लाना बहुत आसान है क्लास 12th में, मगर वही वाली बात है कि तुम्हें करना होगा. बस इस साल प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मैंने तुम्हारे सीनियर्स का जब अभी ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो मैंने लिया, मैंने देखा कि मतलब दे आर नॉट डूइंग एट ऑल. और तुम लोग भी नहीं कर रहे थे ना, कई हर कोई नहीं. हाँ बहुत लोग जो कर रहे थे मैं उन्हें नहीं बोल रहा हूं. यू आर डूइंग द क्लास बट यू आर नॉट डूइंग द असाइनमेंट, ठीक है? हाल इतना बुरा नहीं है मैं जानता हूं, ठीक है? मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट डूइंग द प्रॉब्लम्स एट होम. तो तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना होगा और टू बी सबमिटेड सीट इसलिए अब मैं दूंगा ही. जैसे आज एक देखो एक छोटा सा टू बी एक लंबा देखो अब टू बी सबमिटेड सीट केवल अब मैं उसमें अगर 15 सम दूं तो तुम लोग सबमिट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें हो सकता है कि ऑथेंटिकली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है. तो एक लंबा वाला सीट तो मिलेगा ही, मगर एक हो सकता है कि 10 सम का एक टू बी सबमिटेड सीट मिलेगा. वेडनेसडे से पहले प्लीज करके सबमिट कर दो, अपना एक हैबिट बनाओ कि हाँ नहीं वो सबमिट करना है. आगे चलूं मैं? यस सर. ठीक है, ताकि वो हालत ना हो कि कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आया सर क्या करना है. डिटरमाइन स्टार मार्क दे देता हूं, डिटरमाइन एबीसी फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स
होल डिवाइडेड बाय x, x लेस देन जीरो, सी एक्स इक्वल टू जीरो, रूट ओवर ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय बी एक्स टू दी पावर थ्री बाय टू एक्स ग्रेटर देन जीरो इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ट्राई करो तो मैं ब्रेक नहीं दूंगा, हाँ मैं कंटिन्यूटी ब्रेक करूंगा मैं, ठीक है मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा ठीक है, क्योंकि बहुत दिन के बाद संडे क्लास ले रहा हूँ, मेरा दो तीन क्लास है तो ज्यादा प्रेशर आज लेना नहीं पसंद करूंगा, और वो कंटिन्यूटी एक ब्रेक होता है हाँ, तो इसीलिए हाँ बैठ के तुम लोग चाय पानी पियो वो कोई पंगा नहीं है ठीक है, खाते खाते देखो मैं 12:30 बजे तक लूंगा क्लास हाँ, तो उसमें 2.5 घंटे का क्लास नॉर्मली नॉर्मल लिया ही जाता है हाँ, बाकी सब बैचेस में भी 2.5 घंटा खींच ही देता हूँ मैं कई बार क्लास करने, तो 2.5 घंटे में ब्रेक नहीं दूंगा हाँ। चलो आगे चलो, सॉरी मैंने सम लिखने के लिए टाइम दिया था, सम लिखा उस मैंने कहा नहीं सॉरी हाँ, मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ हाँ, लिख लो सम एक बार, सम लिख लो एक बार, आगे चलो। Yes, sir. चलो तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं क्या, तो मैं इसे हट, yes. मैं ठीक है तो मैं इसे काट दे रहा हूँ हाँ, ये किस में आएगा लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट ठीक है तो लेफ्ट में आएगा, तो ये लेफ्ट में लिख लेते हैं सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको तुम एफ ऑफ जीरो माइनस भी बोलोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस पेस्ट, क्या करोगे सर साइन ए प्लस साइन बी का, वो नहीं करके अलग अलग भी कर सकते हो, वही सोचना है देखो ना, ए प्लस वन से डिवाइड करो, बस एक्स से डिवाइड करने से होगा या नहीं, यस सर, यस सर, क्योंकि दोनों तो साइन एक्स बाय एक्स का फॉर्म है, तो क्या मिला ये, यस सर, ए प्लस वन, ये तो ए प्लस वन मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ए प्लस वन प्लस वन इक्वल टू ए प्लस ए प्लस टू। अब राइट हैंड लिमिट में आता हूं, एफ ऑफ जीरो प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, अगर तुमने सम लिखा होगा तो वो ये था रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स टू पावर थ्री बाय टू, इसे तुम रैशनलाइज करते रह जाओ आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे कॉमन फैक्टर है, जब तक तुम वो कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करोगे रैशनलाइजेशन तुम्हें आंसर नहीं देगा, क्या ऊपर रूट एक्स कॉमन आ सकता है, यस सर, यस सर, ध्यान से देखो ना ये रूट एक्स, तो यहाँ पे तो एक रूट एक्स क्योंकि रूट है, तो रूट एक्स अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ये तो वन प्लस बी एक्स हो जाएगा माइनस वन, ध्यान से देखो किसी को डाउट है तो बोलोगे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इससे एक एक्स कॉमन ले लिया मगर रूट होने के कारण रूट एक्स, तो अगर रूट एक्स कॉमन लोगे तो ये वन हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, ये रूट एक्स तो बाहर ही आ गया है, और एक्स टू पावर थ्री बाय टू का मतलब था एक्स रूट एक्स, क्या फायदा, ये और ये आपस में कैंसिल, मैं नीचे जा रहा हूं हाँ, तो दिस कैन बी लंबा समय मैं जान रहा हूं, लिमिट एक्स टेन इसलिए तो स्टार मार्क दिया रही, ऐसे ही स्टार मार्क थे ना दिया है, अच्छा अब बोलो क्या करोगे, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारा आवाज सुन के, ऐसे का एक ही टेक्निक है रैशनलाइज, तो ऊपर अगर रैशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, ये 1 प्लस बी एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय बी एक्स किससे, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस वन, वन वन कैंसिल करोगे तो ये बी एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, और x टेंडिंग टू जीरो प्लस दोगे तो ये 1 बाय ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू 1 बाय टू, और फंक्शनल वैल्यू क्या है, किसी ने सम लिखा था एफ ऑफ जीरो क्या है, देखो ना सी, अब क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शनल तीनों सेम होगा, तो लेफ्ट हैंड कितना आया a प्लस टू, राइट हैंड क्या आया 1 बाय टू, एफ ऑफ जीरो क्या आया c,
तो इससे a का वैल्यू आ गया 1 बाय 2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3 बाय 2, इससे c का वैल्यू आ गया 1 बाय 2, मगर एक चीज बच गया, क्या? b, b इसलिए बचा, ध्यान से देखो क्योंकि इसी स्टेप में b कैंसिल हो जा रहा है, हो रहा है नहीं? यस सर, यस सर, अब तो b कुछ भी हो सकता है, नहीं, r एक प्रॉब्लम है, b कहाँ पे है? डिनोमिनेटर, b डिनोमिनेटर में भी है, तो क्या b जीरो हो सकता है? डोमेन में अगर देखोगे तो और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चाहे जो भी वैल्यू लोगे कैंसिल हो रहा है, बिकॉज बी इज नॉट देयर, तो बी बिलोंग्स टू क्या? आर माइनस, ये इसीलिए हुआ क्योंकि बी इज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। किसी को डाउट है तो बोलोगे, काफी लंबा सम था, स्टार मार्क था, 5 मार्क्स के सम में भी आ सकता है ये, कभी कभी लिखना है तो लिख लो, सम तो तुम लोगों ने लिख लिया होगा मेरे ख्याल में, ये पेज देखो, मैं 1.5 मिनट का टाइम दूंगा, बोलोगे तो मैं उठाते भी नहीं, निकल जाऊंगा। सर ने लास्ट में वो क्या लिखा सर, b belongs to r minus 0, क्योंकि r तो b belongs to r minus 0 का मतलब क्या हुआ, b सब रियल नंबर ले सकता है 0 छोड़ के। सर वो स्टेप नंबर 27 एक बार समझ लीजिए, मतलब लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 27 मैंने रूट x कॉमन ले लिया, नीचे x क्यूब नहीं आ गया सर, b x मैं 3/2 है ना, 3/2 को तो x root x लिख सकते हो ना, 1 प्लस 1 बाय 2 तो 3 बाय 2 बोल। ओ हाँ हाँ, वो b belongs to, हमें सम में लिखना नहीं है, आंसर में क्यों नहीं लिखना है, अभी नहीं लिखना है, फाइनल आंसर में तुम्हें तो एबीसी निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो b क्या हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, जब भी रहा ही नहीं तो b क्या हो सकता है, मैं नीचे आ रहा हूँ, वेट अ मिनट, पहले यहां तक लिख लो, ठीक है मैं नीचे आ रहा हूँ, उस वक्त कर रहा हूँ वो डाउट क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ ये लिख लो पहले, सब के नीचे कर दीजिए। मानवेंद्र बोल रहा, अटेंडेंस? यस सर, यस सर। विशाल कलिता, दीप्ताक्षी प्रेजेंट सर, चक्की प्रेजेंट सर, अभिनवा प्रेजेंट सर, भार्गव अग्रसर प्रेजेंट सर, हृदयंगम प्रेजेंट सर, चंद्रा प्रेजेंट सर, देवलोना नंदी प्रेजेंट सर, ठीक है सर नीचे कर देता हूँ, हाँ भास्कर ज्योति वर्मन प्रेजेंट सर, इरफान प्रेजेंट सर, गौरी प्रेजेंट सर, नम्रता प्रेजेंट सर, विद्युत प्रेजेंट सर, जुबली रंजीत प्रेजेंट सर, रुचिता प्रेजेंट सर, उद्यायित त्यादेव है, दाउद पूछा था वो, हाँ दिशा प्रेजेंट सर,
रागिनी, नवदीप, चंदना, प्रतीक्षा, हाँ चंदना ठीक है, प्रतीक्षा, देव प्रीतम से क्या? अच्छा अब मैं दो तीन चीज बोलना चाहता हूँ। सर आप अटेंडेंस ले रहे हो और सर आप वीडियो भेजते भी हो, लास्ट ईयर आपने कहा था कि क्लास नहीं करने से भी होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है या अगर तुम, हाँ अभी भी मैं कहता हूँ, अगर तुम सीरियस स्टूडेंट हो, किसी का कोई दूसरा भी देख सकते हो कि कभी कोई क्लास कॉन्साइड कर सकता है, और तुम मेरा वीडियो देखते हो तो क्लास नहीं करने से भी होगा। हाँ अटेंडेंस में एबसेंट आएगा, ठीक है अटेंडेंस में एबसेंट आएगा। तो सर क्या ये अटेंडेंस लेकर क्या फायदा है? फायदा ये है कि अक्टूबर के महीने में जब स्कूल में प्री बोर्ड होगा या एग्जाम होगा और मार्क्स जब कम आएगा, तब मैं बोलूंगा कि देखिए आपका बच्चा मेरा क्लास नहीं करता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा मार्क्स अच्छा आया तो पेरेंट्स मेरे साथ कंप्लेन ही नहीं करेंगे, तब तुम क्लास, इसका मतलब है कि जरूरत नहीं है, तुम आराम से, तुम या तो सीट सबमिट नहीं कर रहे हो तब भी मुझे उससे लेना देना नहीं है, तुम क्लास डायरेक्ट अटेंड नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो तब भी मुझे उससे लेना देना, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि मैं तुम्हें सिखाऊं और तुम सीख रहे हो। मगर ये क्या है ना कि ये मुझे कब फायदा देगा, क्योंकि इस साल क्या हुआ था कि जब 11th से 12th में पेरेंट्स एडमिशन लेने के लिए आ रहे थे तो कईयों के पेरेंट्स मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, और मुझे याद है कि वो वही बच्चे थे जिनका नाम नॉर्मली मैं ऑनलाइन क्लास में नहीं देखता हूं। तो मगर मेरे पास डाटा ही नहीं था ये बोलने के लिए कि आपका बच्चा मेरा क्लास नहीं करता था। तो अब मेरे पास अपर हैंड होगा, देखिए आपका बच्चा मेरा क्लास नहीं करता है, अच्छा क्लास करता है, वेरी गुड, मगर क्लास तुम्हारा दरवाजा बंद है, तुम अभी व्हाट्सएप भी देख रहे हो, तब वो बच्चा मुझे असाइनमेंट सीट सबमिट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए असाइनमेंट सीट को भी मैं सबमिट करने के लिए बोल रहा हूँ कि देखिए वो क्लास तो करता था, वो असाइनमेंट सीट सबमिट नहीं कर रहा था, अब एक बच्चा का असाइनमेंट सीट भी खुद सबमिट कर रहा है। अच्छा अब एक बच्चा असाइनमेंट सीट सबमिट करने के लिए अपने दोस्त से लिख के कर रहा है, अरे यार किसी को अगर सुसाइड करने का मन है तो तुम उसे रोक सकते हो क्या? तुम उसे छत से निकाल लो तो वो पंखे में लटक जाएगा, पंखे से निकाल लो तो वो कहीं और चला जाएगा। तो किसी स्टूडेंट का एक अटेम्प्ट है कि मुझे एजुकेशनल सुसाइड करना है, मतलब मुझे इस साल नहीं पढ़ना है, मैं उसे एजुकेशनल सुसाइड बोलता हूँ, तो आप उसे नहीं रोक सकते हैं, वो ठीक है वो गूगल में सर्च करके मुझे असाइनमेंट सीट सबमिट करेगा। तो ये मेरा एक सेफ साइड है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी भी कहता हूं क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं भी इतना कंपल्सन पसंद नहीं करता था, मैं सीरियसली कह रहा हूं, अगर मुझे कोई बोलेगा कि एज ए स्टूडेंट क्या आप पसंद करोगे हर समय आपको क्या बोलते हैं अटेंडेंस लेना ही होगा, हालांकि वीडियो भी वो सर प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं मुझे एक इंडिपेंडेंसी चाहिए, हो सकता है आज सुबह उठ के मुझे कुछ और पढ़ने का मन हो सकता है, प्रोवाइडेड क्योंकि आप मुझे वीडियो दे रहे हैं, हाँ तो मैं वीडियो दे रहा हूं तुम्हें, वीडियो ऐप में दूंगा, वीडियो वेबसाइट में दूंगा, जहां देखने का मन है देखो। मगर अक्टूबर के महीने में पेरेंट्स जब अगर मेरे पास आएंगे तो मेरे पास डाटा रहना चाहिए कि देखिए मैं दे रहा था, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा था, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सुनाई दे रहा है? ठीक है चलो तो ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, एकदम नहीं सोचना है रे कि सर आप सर अटेंडेंस में एबसेंट हो जाएगा तो सर आप ईगो में ले लोगे इसलिए आप मेरा डाउट क्लियर नहीं करोगे, एकदम नहीं सोचना है। If you are good enough, if you are punctual student, it totally depends upon you whether you do the class or you see the video. मैं बार-बार ये बात नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो attendance केवल उन बंदों के लिए है जिनके parents अक्टूबर के महीने में आके मुझे बोलने वाले हैं कि मेरा बच्चा देखिए marks नहीं लेके आ रहा है। चलो चलो just wait a minute. ऊपर में ही हॉट्स तो ऊपर वाले में ही था, ठीक है। तो ये भी हॉट्स में ही है, हाँ इससे पहले वाला जो सम कराया था प्रॉब्लम, ओ हाँ तेरा जो डाउट था, मेरा कहना है ये देख
अगर मैं तुझे कभी बोलूं बी इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, ये किस बी के लिए ट्रू होगा? बी का क्या क्या वैल्यू दे सकती है यहां पे? कोई पर्टिकुलर वैल्यू या हर एक रियल लाइन के लिए, रियल नंबर के लिए ट्रू होगा? हर वैल्यू के लिए। तो इसलिए बी बिलोंग्स टू आर बोलेगी। मगर वही अगर मैं इसे x by b is equal to x by b बोलूं तो क्या? तब सर जीरो नहीं हो सकता सर। हाँ तो वही, वो ऊपर भी तो वही हो रहा है ना रे। ठीक है सर, ऊपर भी तो वही हो रहा है ना कि तुम्हारे पास b रहा नहीं, b रहा नहीं मतलब b कैंसिल हो रहा है। अगर b कैंसिल हो रहा है तो वो r के लिए था, मगर क्योंकि b डिनोमिनेटर में था इसलिए वो r माइनस जीरो में आता है। ठीक है, तो चलो हाथ सपोज f ऑफ x का वैल्यू। अच्छा मुझे एक चीज बताना है, हाँ जरा देखो तो लिमिट एट इंफिनिटी, लिमिट एट इंफिनिटी, जब लिमिट एट इंफिनिटी होता है तो मेरे पास एक छोटा सा लैंग्वेज है, वी लव इंफिनिटी एट डिनोमिनेटर, वी लव इंफिनिटी एट डिनोमिनेटर। तुम बोलोगे सर मतलब नहीं आया समझ में, कोई वन बाय इंफिनिटी जीरो होता है इसलिए हम इंफिनिटी को डिनोमिनेटर में लेके आना पसंद करते हैं, हमारे लिए चीजें बड़े आसानी से चीजें बन जाता है। जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि तुम मुझे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस ई टू डी पावर वन बाय एक्स बाय वन प्लस ई टू डी पावर वन बाय एक्स निकालो, ध्यान से हाँ, जीरो प्लस में वन बाय एक्स किसकी ओर जाएगा? अगर एक्स जीरो प्लस की ओर जा रहा है तो वन बाय एक्स किसकी ओर जाएगा, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी? मतलब ई टू डी पावर वन बाय एक्स किसकी ओर जाएगा? इन्फिनिटी। तो अगर तुम डालोगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा जो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ऐसे का करने का तरीका ये है कि तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस चीज से डिवाइड करो जो इन्फिनिटी बन जाता है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो किसके साथ, ई टू डी पावर वन बाय एक्स के साथ। क्यों सर क्या फायदा बताता हूँ, अगर ई टू डी पावर वन बाय एक्स के साथ डिवाइड करोगे तो ये वन हो जाएगा, ये 1 बाय ई टू डी पावर 1 बाय एक्स हो जाएगा प्लस ये 1 होगा, क्या फायदा हुआ कुछ? तब इसका वैल्यू क्या होगा आप बोलो? जीरो। यहाँ से देखो ना, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और ये डिनोमिनेटर में आ गया, तब तुम इसे क्या लिख सकते हो? 1 बाय क्या? 1 बाय इन्फिनिटी प्लस 1, तो 1 बाय जीरो प्लस 1, आया समझ में? तो जब भी तुम्हें ऐसा कोई एक टर्म मिलेगा तो ये इसका एल्गोरिथम ही है कि तुम्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उससे डिवाइड करना होगा। कोई लिखना है तो किसी को लिख लो, ऊपर हेडिंग दे सकते हो लिमिट एट इन्फिनिटी। जब भी तुम्हें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलेगा तो तुम्हें जो चीज इन्फिनिटी हो रहा है उससे तुम्हें डिवाइड कर देना होगा। आगे चलूं? एक सेकंड सर। ठीक है, ठीक है। हो जाने से बोल देना, हाँ मैं टाइमर देना भूल गया। सर हो गया। ठीक है, हो गया, हो गया सर। चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 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 पर एक्स माइनस वन बाय टू टू पर एक्स प्लस वन, सॉरी सम कर लेते हैं, 2 to the power 1 by x minus 1 by 2 to the power 1 by x plus 1 if x is not equal to 0 and minus 1 if x equal to 0. Sum likh loge kya? 10 second de raha. चलूं आगे? यस सर।
चलो तो आगे चलता हूँ. yes, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या होगा, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स. मतलब मुझे ये नहीं चाहिए रे कि मैं अटेंडेंस लेने के कारण मैं तुम लोग का इंडिपेंडेंसी खींच लूं रे, प्लीज. हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे इस बैच में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास नहीं कर रहे होते हैं मगर बाद में मुझसे डाउट पूछते हैं कि सर वीडियो का ये डाउट. हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रे, प्लीज. हाँ, अटेंडेंस तुम्हारे ऊपर मैं चेन नहीं बांध रहा हूँ मगर मेरा प्रॉब्लम समझो, ठीक है. कि पेरेंट्स आके मुझे बोलते हैं कि सर देखिए मेरा फलाना बच्चे का नाम अल्फा बीटा गामा था, उसका मार्क्स इतना कम आया. मैं फोन में देखता हूँ कि वो अल्फा बीटा गामा मेरा स्टूडेंट है क्या, क्योंकि मुझे उसका नाम कभी देखा ही नहीं क्लास के अंदर. अब मैं क्या बोलूँ, अगर मैं बोलूंगा कि आपका बच्चा क्लास नहीं करता है तो बोलेंगे सर आपके पास रिकॉर्ड क्या है, तो कुछ है. और वो लड़का बोलेगा नहीं सर मैं क्लास करता था आपका. अब ठीक है, तो अब तो मेरे पास रिकॉर्ड है ना, तो बस उन्हें पकड़ने के लिए ये है. तो चलो आगे. तो जीरो माइनस में वन बाय एक्स किसके इक्वल होगा, जीरो. ठीक है, एक्स अगर एक्स जीरो माइनस की ओर जाए तो वन बाय एक्स टू टू पावर वन बाय एक्स किसकी ओर जाएगा, टू टू पावर माइनस इनफिनिटी. तब तो ये जीरो हो रहा है ना, तब तो इसका मतलब है कि तुम अब इसके बदले क्या लिख सकते हो, तो इस पूरे के बदले टू टू पावर माइनस इनफिनिटी लिख सकते हो. टू टू पावर माइनस इनफिनिटी होने से थोड़ा ना डिवाइड करोगे, टू टू पावर माइनस इनफिनिटी तो जीरो होता है. तो जीरो माइनस वन बाय जीरो प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन. क्लियर है? यस यस सर. अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो फिर फंक्शनल वैल्यू तो माइनस वन नहीं है. मैं जानबूझ के वैसा दे रहा हूँ ताकि मुझे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो. मना तुम बोल सकते हो सर आप पहले राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो जरूरत ही नहीं था. लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू टू टू पर वन बाय माइनस एक्स टू टू पर वन बाय एक्स प्लस वन. हाँ, हेल्प करो मुझे. जीरो प्लस में, अब जीरो प्लस में क्या वैल्यू है, टू टू डी पर इन्फिनिटी माइनस वन बाय टू टू डी पर इन्फिनिटी प्लस वन. मतलब इन्फिनिटी माइनस वन बाय इन्फिनिटी प्लस वन. क्या मैंने अभी कुछ बोला था ऐसे सम के लिए, क्या करोगे बोलो सर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, तब ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस वन माइनस वन बाय टू टू डी पर वन बाय एक्स बाय वन प्लस वन बाय टू टू डी पर वन बाय एक्स. क्या फायदा, तब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि वन बाय इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो होता था, तो इसलिए ये वन माइनस जीरो बाय वन प्लस जीरो. तो तुम्हें मिला लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, आगे महाभारत नहीं लिख रहा हूँ, जानते ही हो डिसकॉन्टिन्यूस होगा. अब तो वो सब लिख ही लोगे, किसी को लिखना है तो लिख लो. ये रहा. लिख लो इसको, ठीक है, आराम से लिखो, मैं आ रहा हूँ. नहीं, मुझे भी ये क्लास पसंद है रे, तुम लोग का आवाज सुन के मुझे अच्छा लगता है. हाँ, जब मैं तुम लोग का आवाज सुनता हूँ तो मुझे भी थोड़ा मतलब फील होता है कि नहीं हाँ मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ. सर इसका वैसा शीट भेजेंगे क्या सर? हाँ हाँ श्योर. हाँ, दूसरे बैच वाले बंदे जो क्लास कर रहे हो, ठीक है, मैं भेज दूंगा, सब बैच में भेज दूंगा, घर रहा हूँ. सर मैं जैप्टो वाला हूँ सर. अरे गाने मैं सब में भेज दूंगा, मैं ब्रॉडकास्ट, मेरे पास एक लिस्ट है, मैं सबको कर दूंगा. हाँ, मगर वीडियो के लिए फिर प्रॉब्लम होगा, मगर वीडियो मेरा मैं ठीक है अपलोड कर दूंगा, जो लोग को देखना है देख सकते हो. कुछ बंदों ने कहा है सर वीडियो अपलोड कीजिएगा. हाँ, आगे चलूं. yes, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था. हाँ बोल सर. एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस में सर वो माइनस इन्फिनिटी वाला में प्रॉब्लम है मेरा. हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे वही तो पूछना है, इसीलिए तो लाइव क्लास है. अब तू मुझे बोलेगा जब x जीरो माइनस है तो ये रहा जीरो, तू नेगेटिव साइड से आ रहा है, ये समझ में आया? यस सर. इसका मतलब अगर x नेगेटिव है तो 1 बाय x भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा. ठीक है, तो जब x जीरो नेगेटिव आएगा तो 1 बाय x जो होगा वो 1 बाय जीरो माइनस. तो अब मुझे बोलो ये एक नेगेटिव फंक्शन है और 1 बाय जीरो, तो ये प्लस इन्फिनिटी देगा या माइनस इन्फिनिटी देगा? हाँ सर, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी. मतलब तू जब एकदम छोटा वैल्यू ले, माइनस 0.001,
ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये माइनस टेन क्यूब हो जाएगा, वन बाय माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन, तो ये सपोज टेन टू दी पावर जो भी है एक दो तीन चार पांच छह सिक्स, तो आप मुझे बोलिए वैल्यू किसकी ओर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी। अब आया समझ में? जब x जीरो माइनस होता है तो क्योंकि x नेगेटिव है तो इसलिए वन बाय x होगा, वो प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा, क्या होगा? और जब x जीरो प्लस होगा तो अब वन बाय x किसकी ओर जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। यही डाउट था? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ऊपर वाला चलूं आगे? चलो ठीक है, मैं अभी हाउस में हूं, स्टार मार्क। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, एक्स साइन वन बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, कह रहा है कि चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। यहां पे वन बाय एक्स आसमान में नहीं है, जमीन में है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि जमीन में है, पावर में नहीं है। ई टू दी पावर वन बाय एक्स में ये आसमान में होता है, तब लेफ्ट हैंड राइट हैंड जरूरत होता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स। मुझे ध्यान से एक चीज बोलोगे? हाँ ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें बहुतों को डाउट होता है। x जब जीरो की ओर जाता है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो इंटू, और इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा? या तो प्लस नहीं तो माइनस इंफिनिटी, डिपेंड करेगा। मगर चाहे जो भी हो, साइन का क्या औकात, ऐसा लिखा नहीं जाता है रे, मगर हाँ मैं फिर से कह रहा हूं, ये अभी मैं तुम लोग को समझाने के लिए, चाहे जो भी हो साइन कहां से कहां तक लाई करता है? सिंपल वैल्यू नहीं देगा, ये ऑसिलेट्स करेगा किसके बीच में? ऑसिलेट्स बिटवीन माइनस वन टू वन। मगर अगर तुम जीरो इंटू माइनस वन टू वन के बीच में कोई नंबर, देर इज एनी नंबर बिटवीन माइनस वन टू वन, तो क्या बोलोगे? जीरो। तो ये जीरो ही होगा, पर ऐसा नहीं लिखोगे। हाँ ये लिखना है तो लिख लो, मैं नीचे दोबारा सेम चीज को लिखा रहा हूँ। मतलब जब तुम लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x इंटू साइन वन बाय x लिखोगे तो तुम लिखोगे जीरो इंटू फाइनाइट। आया समझ में? फाइनाइट विच लाइज बिटवीन किसके बीच में? साइन है तो क्या? माइनस वन एंड वन, तो विच इज नथिंग बट क्या? जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो हेंस क्या बोलोगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मगर ये लिखने से पहले ये लिख लो ताकि रिविजन में कभी डाउट हो तो समझ में आ जाए कि क्यों ये होता है। बोल रहे हैं, मैं कभी कभी टाइमर लगाना भूल जाता हूँ। सर आपकी तबीयत कैसी है सर? हाँ ठीक हूँ, मैं ऑलमोस्ट ठीक हूँ, बस मतलब थोड़ा सा कभी कभी क्या है कि ज्यादा प्रेशर लेना पसंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर से खराब हो जाएगा। मतलब न्यूज में इतना मिलता है ना पोस्ट कोविड पोस्ट कोविड पोस्ट कोविड कि डर लगने लगा है। हाँ तो मगर अब तो ऑलमोस्ट 50 काफी दिन हो गया, मेरे ख्याल में 20-25 डेज हो गया, तो वो मैं क्रॉस कर चुका हूँ वो प्रोसेस, तो इसीलिए बस थोड़ा सा रिलैक्स होके क्लास करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि 12:30 बजे छोड़ दूंगा क्योंकि ताकि एक घंटे का एक रेस्ट मिल जाए मुझे, तो इसीलिए आगे चलूं। तो 1:30 से लेंगे ना सर क्लास? हाँ
उसमें आने का जरूरत नहीं है ना, ये कर लिया है तूने। हाँ आगे चलो मैं। ओ तूने अगर मिस है तो पहला स्टार्टिंग वाला तेरा मिस है मेरे ख्याल में, 15 मिनट। आगे चलो, आधा घंटा आगे चलो। ठीक है ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। तो अब देर आर सम रिजल्ट्स। हाँ देर आर सम रिजल्ट्स जो याद रखो, प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूं। हाँ कि सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस था एट x इक्वल टू a, तब अगर ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो y इज इक्वल टू, तुम अगर दोनों को एड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। और अगर फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है तो उसे कहा जाता है इज कॉन्टिन्यूस इन R, मतलब तब कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूस अगर नहीं है तो। नंबर टू, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई भी जब करोगे तब भी वो कॉन्टिन्यूस होगा। y को अगर कंपोजिशन ले लोगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तब ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए। बस मगर एक प्रॉब्लम है, डिविजन में नहीं बोल सकते हो, डिविजन में एक रेस्ट्रिक्शन होगा। ये तभी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए इफ जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जी ऑफ ए जीरो है तब तुम ये काम वो पॉइंट में वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। मतलब मैं तुम्हें कहता हूं कभी कभी ऑब्जेक्टिव सब में आ सकता है कि फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये थ्योरी से मुझे डायरेक्टली बोल पाओगे कि ये कहां डिसकॉन्टिन्यूस होगा? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस वन, ये वहां पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, और डिनोमिनेटर जीरो जो होगा एक्स स्क्वायर तो प्लस माइनस वन, तो वो वहां डिसकॉन्टिन्यूस होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो सर। हाँ बोल। नंबर थ्री में वो मल्टीप्लिकेशन है या फिर कंपोजिशन है? मल्टीप्लिकेशन नंबर टू में। ठीक है आगे चलूं? Yes, मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा, किसने कह दिया था? ठीक है 15 सेकंड रुक जाता हूँ। ठीक है चलो। चलो आगे चलो। तो जैसे एनसीईआरटी में है कि प्रूफ दैट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर 4 इज कॉन्टिन्यूस इन R, पूरे R में। तो इसे प्रूफ नहीं करना है। हाँ जब तुम ऐसा सम देखोगे, ध्यान से देखो, ये दो 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 फंक्शन का कंपोजिशन है, किस किस का बोलोगे? ध्यान से देखो, अगर मैं f ऑफ x को क्या ले लू साइन x और g ऑफ x को क्या ले लू x टू द पावर 4, तो y कैसा दिख रहा है f ऑफ g ऑफ x? क्या ये पकड़ पा रहे हो? यस सर। अब साइन x कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है r में, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं? कंटीन्यूअस। क्या बोलोगे? f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x इज कंटीन्यूअस ऑन r, f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, एक पॉलीनोमियल है, क्या लिखोगे? इज कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस r, हेंस their composition by property, their composition f of g of x is continuous or not, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो ये
तो ये सबको कुछ करना नहीं है, जैसे मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड, ठीक है ये लिख लो, फिर उसके बाद बता। लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो प्रूव दैट मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। तो अब इसमें प्लस है, अब मॉड एक्स में तो कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो क्या करोगे? छोड़ दो, समझ में आ रहा है क्या लिखोगे? यस सर। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो क्या करोगे? जी ऑफ एक्स अपने में कॉन्टिन्यूस है, एच ऑफ एक्स अपने में कॉन्टिन्यूस है, तो उसका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर पिछले सम की तरह है ना ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली, अरे मतलब ऊपर पिछले सम में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले सम में हम लोगों ने वो किया था, क्या बोलते हैं, कंपोजिशन यूज किया था। यहाँ पे क्या यूज करोगे? जितना प्रॉपर्टी दिया हुआ है एडिशन वाला प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो सेम ही चीज है। तो अननेसेसरी, हाँ अननेसेसरी टाइम बर्बाद करके क्या फायदा? इससे अच्छा है कि चार को सम तुम ही करो। अब मतलब सर बता रहा हूँ, दोनों वो मतलब कंटिन्यूअस होगा, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो आर में कैसे दिखाओगे कंटिन्यूअस है, वो तो जानती है, मैंने कह ही दिया डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो कंटिन्यूअस हो गया। आया समझ में? वो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है। एक्चुअली मैं सीरियसली बोलूं तो अभी तक एनसीईआरटी ने ये सम दिया है कभी भी नहीं आया है, अभी तक कभी भी ये सम नहीं आया है। एनसीईआरटी ने दो सम दिया है ताकि तुम्हें वो प्रॉपर्टी याद रहे, ठीक है। कई बार एनसीईआरटी कोई सम पूछता है कि वो प्रॉपर्टी याद रहे, ये सब थ्योरी आज चल रहा है। तो करने वाला सम सी है, चलो शुरू करो 1 2 3। जैसे आंसर आएगा बोलोगे मुझे, हाँ यहाँ पे ऐसा वी आर नॉट गोइंग टू वेट। हाँ सब सम में टाइम दे रहा हूँ, जैसे फर्स्ट सम के लिए 1 मिनट दे रहा हूँ मैं 1 मिनट के बाद सॉल्व करूंगा। किसी का आंसर आ गया मुझे बोल देना। सर फर्स्ट वाला कंटिन्यूअस होगा। हाँ सर, कंटिन्यूअस होगा। यस सर। क्या किया, कैसे किया, बोल भी दो जरा। 1 माइनस cos x इक्वल टू sin x ट्वाइस sin स्क्वायर। 1 माइनस cos ax डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos px। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, 1 माइनस cos थीटा था 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर बी एक्स बाय 2। तो किसको किससे डिवाइड करूं बोलोगे? साइन स्क्वायर बी एक्स बाय 2 डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर साइन 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 थैंक्स। किससे डिवाइड करोगे? एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स बाय 2 को मैं एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, तो होल स्क्वायर ले लेता हूँ डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स बाय 2 को। आंसर क्या था, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ठीक है। इनटू एक्स स्क्वायर देखते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं। इसका वैल्यू क्या होगा, मुझे कोई बोलेगा? ए बाय 2 ए बाय 2 नहीं, ए बाय 2 तो मिला के क्या हो जाएगा, ए बाय 2 का होल स्क्वायर बाय ये लिखने के बाद नेक्स्ट सम के लिए, और किसी का आ जाएगा तो बोलोगे।
अग्निम ठीक है, मैं भेज दे रहा हूँ बैच को, बैच को। थैंक यू सर। तो डिसकंटिन्यूअस क्या है अब, कोई और? ऐप सब लोग डाउनलोड कर लोगे रे? हाँ, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस? चुप हो गए सब लोग, और टाइम है कंटिन्यूअस। लिमिट extending to zero, root over of 1 plus x square, 1 minus x square divided by x square, क्या करोगे? rationalize करोगे ना? rationalize किया था तो ऊपर क्या मिला बोलोगे? तो twice x square, x square, क्या फायदा? x square कैंसिल, तो क्या मिला? 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर एक्सटेंडिंग टू माइनस x स्क्वायर होगा सर। किस वाले में बोल सर? रेशनलाइजेशन सेकंड वाले में। तो हां सर, ओ ठीक है, थैंक्स थैंक्स, समझ में। तो ये क्या हो जाएगा? 2/2 इज इक्वल टू 1, खेला खत्म। ठीक है, तो नंबर 2 जिसको लिखना है लिखो, मैं फिर से 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। नंबर 3 आसमान में ये लिख लिया, मैं आगे चलू? ये वाला लिख लिया, कोई लिख रहा है तो? यस सर। ठीक, क्या बोलते हो, डायरेक्टली या लेफ्ट हैंड राइट हैंड? लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, हैंड राइट हैंड निकालो ना, तो आप और क्या प्रॉब्लम है? तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिसकंटिन्यू ये, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जब तुम लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस कर रहे हो तो क्या हो रहा है? जीरो माइनस में तब इसका वैल्यू क्या है? प्लस इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी? इनफिनिटी का मतलब जीरो प्लस वन, तो ये वन हो जाएगा। मगर जब तुम जीरो प्लस करोगे तो क्या आएगा? तो 1/3 to the power infinity + 1, 3 to the power infinity का मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड सर, तो यहाँ पे तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, मगर समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि वी देखो डिवाइड इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट वो लैंग्वेज था। वी लव इन्फिनिटी एट डिनोमिनेटर, इन्फिनिटी तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, यानी 0 प्लस 1, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये 0 प्लस 1 नहीं, ये पूरा का पूरा हो जाएगा ना? 0, हां 0, हां, तो ये पूरा का पूरा 1 बाय इनफिनिटी हो जाएगा, मतलब 0, तो एक 0 और एक 1 आया, समझ में? यस। लेफ्ट हैंड लिमिट इज, किसी को डाउट है तो बोलोगे नहीं? तो डिसकंटीन्यूअस, हां, किसी को लिखना है तो लिख लो। सर एक बार आगे वाला दिखा दीजिएगा सर। रुक जा, ये रुक जाता है थोड़ा सा सर लिखने के लिए, 30 सेकंड्स दे रहा हूं ये लिखने के लिए, आगे जा रहा हूं। सर मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी बैच। हां ठीक है, मैं बैच में ना। सर सर रजिस्टर हो जाएगा ना मेरा नाम? हां बस हो गया, अभी हो जाएगा। ओके प्रेजेंट भी कर दिया, ठीक है।
हाँ अब क्या कोई ये बोल रहा था देख ले ठीक दस दो मिनट रुको तो सुनो हाँ मैं फिर से एक दो चीज कह रहा हूं लास्ट ईयर और इस साल में मैं ये थोड़ा सा अंतर कर रहा हूं कि मैं तुम लोगों से समझना लाइव क्लास में करवाऊंगा मगर इसके कारण हो सकता है कि मुझे मेरा दो तीन सम थोड़ा कम हो जाए तो मुझसे अगर सम कम होता है ना उस चीज को मगर मैं टॉपअप क्लास नाम का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा उसमें दूंगा तो इसीलिए उसे भी टाइम मिलने से एक बार देख लेना तो देखो लास्ट ईयर बस एक ही चीज पता चला है मुझे कि दो टाइप के स्टूडेंट्स या तीन टाइप के स्टूडेंट्स हैं एक जो कर भी रहे हैं जो समझ भी रहे हैं मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है वेरी गुड मैं उनके लिए ही तो मेहनत भी कर रहा हूं सेकंड जो करने का कोशिश करते हैं मगर मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं मैं सीरियसली कह रहा हूं कनेक्ट नहीं होने का केवल एक ही रीजन है कि तुम नहीं लिख रहे हो और ये नहीं कि नोट्स नहीं लिख रहे हो सम्स कम कर रहे हो मतलब तुम्हारा और मेरा कनेक्शन केवल एक ही हो सकता है कि जब मैं प्रॉब्लम दूं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करो नहीं तुम मेरा प्रॉब्लम मत करो तुम आर्टी शर्मा से करो मुझे कोई लेना देना नहीं है मैं बार बार कह रहा हूं मुझे उस चीज का ईगो नहीं है कि हाँ तुम्हें मेरा ही सीट सॉल्व करना होगा ठीक है तुम किसे सर नहीं सर मुझे टुगेदर विद मैथमेटिक्स पसंद है क्लास टेंथ में उससे मैं 99 मार्क्स लेके आया हूं तो ठीक है उसी से करो ना मगर उस कनेक्शन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे सम देने से क्या होता है ना कि वो एक कनेक्शन बैठने का एक चांस होता है तो इसीलिए मैं इस साल तुम लोग रेडी होके आओगे कि सर हम लोगों से मुझसे सम्स करवाएंगे वो चीज अब तुम रेडी होके आओगे हाँ इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कोर्स स्लो हो सकता है उसके लिए मैं क्या करूंगा कि अरे और चार को प्रॉब्लम है सपोज हाँ सब्सक्रिप्शन लेके करना होता है उसे मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा देख लेना खेला वहीं पे खत्म हो गया चलो ये आप ट्राई करो और मेरे ख्याल में ये बेटर होगा हाँ तुम लोग मुझे बोल सकते हो ना कि किसी को अगर इसमें डाउट है तो मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है ये तीन सम मतलब इंटरेक्टिव हो जाता है क्लास वन वे ट्रैफिक नहीं होता है टेक योर टाइम सर सी वन का सी मतलब ए का वैल्यू क्या है प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन ठीक है प्लस माइनस वन चलो आगे चलते रहो हाँ चलो सॉरी हाँ मैंने पूछा वन में डाउट किसी का अच्छा मगर मुझे इसमें एक चीज चाहिए मैं मानता हूं कि कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है जिसे हाँ जिसे हर समय डाउट रहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ सर डाउट इसलिए रहता है क्योंकि मैं व्हाट्सएप देखता हूं मुझे प्रॉब्लम है ऑथेंटिकली मुझे नहीं मालूम है क्योंकि इनविजिबल हो मेरे लिए तुम किस चीज में हो नहीं सर मैं पूरा समझने का कोशिश कर रहा था दो घंटे से मगर मुझसे सम नहीं बन रहा है हक क्या तुम्हारा सर दोबारा बताइए मुझे तो नंबर वन किसी का डाउट सर टू का मेरा अलग निकल रहा है टू का आंसर क्या निकला मैंने टू का आंसर क्या निकला इसका आंसर पहले देख लेता हूँ एक बार मेरे ख्याल में ये तो क्या और मगर इसमें एक चीज है कि हर एक सम को मैं नहीं करूंगा मैं चाहूंगा कि तुम लोग मुझे बोलो हाँ सर डाउट है हाँ मैं वो झिझक निकलवाना चाहूंगा तुम्हारा हाँ नंबर टू का आंसर क्या निकला टू क्यों लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो क्या 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 मुझे कोई कहेगा सर
ठीक है, वो भी कर सकते थे, नहीं तो ये भी कर सकते थे, तुम्हारे ऊपर है, दोनों ही चलेगा। तब क्या वैल्यू है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ax डिवाइडेड बाय sin x। अब तुम लोगों में से कोई एक बंदा बोलेगा नहीं सर मुझे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर, आपने जो लास्ट क्लास में दिया था लिमिट करना, मैं सोच रहा था करने का, मैंने अभी तक किया नहीं। हाँ तब आज का क्लास समझ में नहीं आएगा, कांग्रेट्स। अगर तुम्हें आज का क्लास लिमिट समझ में आ गया बिना वो क्लास किए हुए, तो इसका मतलब है कि तुमने 11th में मेहनत किया था, 11th वाला चीज तुम्हें याद है। भैया तुमने 11th में भी मेहनत नहीं किया, 12th में जो 11th का चीज लगेगा वो वाला भी तुम नहीं देखोगे, और तुम्हें बोलेगे कि सर क्लास भी मुझे समझ में आना चाहिए, तब इसका मतलब है कि 11th के बाद तुमने एक चीज गलती कर लिया। तुम्हें पापा को बोलना होगा एक चीज, पापा मुझे दोबारा 10th में एडमिशन दे दीजिए। मतलब 11th के बाद 12th में आके तुमने गलती किया, बिना पढ़े हुए तुम्हें समझना है तो तुम्हें 11th के बाद 10th में जाना, 10th के बाद 9, 9 के बाद 8, जाते जाते लास्ट 10 साल के बाद क्लास 1 होगा तुम्हारा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के बदले क्या कर सकते हो, अगर मोबाइल यूज करने का मन है ना पढ़ते वक्त, तो पेरेंट्स को बोल देना पापा क्लास, मोबाइल अगर यूज करने का ज्यादा मन है तो पापा को बोल देना पापा क्लास 10th में लेके जाइए मुझे, मैं आपको अच्छा मार्क्स दोबारा ला के दिखा दूंगा, उसके बाद 9th में चले जाना। चलो ये इसका वैल्यू क्या, ए स्क्वायर बाय 1 इंटू, मैं ये नहीं कह रहा हूं ना ये सम तुमसे क्यों नहीं बना, मैं फिर से कह रहा हूं हाँ, ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर बाय 2 का वैल्यू क्या मिला हाफ, तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या मिला प्लस माइनस 1, वेरी गुड। नंबर 3 कहां कहां डिसकंटीन्यूअस होगा, लॉग 0 प्लस माइनस 1 लॉग मॉड एक्स, तो अब लॉग मॉड एक्स, अब इसमें दो चीज तुम्हें देखना होगा रे 1 बाय लॉग मॉड एक्स में, एक ये डिफाइन कहां पे नहीं होता है, नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, और ये log mod x is equal to 0, ये कब होगा जब mod x का वैल्यू क्या होगा 1, तो x का वैल्यू क्या प्लस माइनस 1, तो द डिसकंटीन्यूअस, हां तो आंसर क्या होगा 0 और प्लस माइनस 1, किसी को लिखना है तो लिख लो, मगर 0 भी होगा क्योंकि 0 एक्चुअली में किसी किताब में 0 दिया रहता है, किसी किताब में 0 नहीं दिया रहता है, ये यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, मगर वो जब तुम्हें मिलेगा वैसा वाला तो फिर तुम मुझसे पूछ लेना, ऊपर वाला तो दिखाइए, हां दिखा सकता हूं ये लो, सर इससे वीडियो भेजेंगे ना सर, हां वीडियो तो भेजूंगा, यस सर, यहां पर 0 क्यों है सर, देखो मैं दोबारा कह रहा हूं, हां वीडियो भेजूंगा मतलब तुम लोग देख लेना, वो क्या बोलते हैं आज ही अपलोड कर दूंगा, Z4 वाले लिंक में चले जाना, Z4 वाले लिंक में वीडियो मिल जाएगा। हाँ बोल, क्या तू क्या बोल रहा है इस वाली में, क्या बोल रही है बोलो, तू कुछ बोल रही थी सर, आंसर में 0 भी है, हाँ क्योंकि log x डिफाइन नहीं है 0 में ना, मतलब log 0 1 में डिफाइन नहीं होता है, नहीं 0 में डिफाइन है, 1 में डिफाइन होता है, मगर 1 में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, आया समझ में, log 1 का वैल्यू 0 होने के कारण प्रॉब्लम है। चलो लास्ट सेट ऑफ एक प्रॉब्लम दे रहा हूं तुम लोगों को, लास्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम दे रहा हूं, चुप एकदम सन्नाटा, इतना सन्नाटा क्यों है, क्या है आंसर, क्या करोगे बोलो ना,
क्या दिख रहा है? कुछ दिखा मुझे? cos square x minus 1 दिखा, तुम्हें दिखा? 1 minus cos square x. Yes, sir. तो ये देख के क्या दिमाग में आया? अच्छा और एक चीज आ रहा है, फॉर्मूला लगाता हूँ ताकि तुम लोग को. cos square x minus sin square x, कोई फॉर्मूला था? cos 2x. तो cos 2x minus 1. नीचे वाला देख के क्या दिमाग में आ रहा है? कोई बोल नहीं रहा है? काफी सन्नाटा हो गया. बोलो बोलो ना, बोलोगे ना यार? प्लीज बोलोगे? हाँ प्लीज. अब cos 2x minus 1 कोई फॉर्मूला था? minus 2 sin square x, मगर एक माइनस था रे, क्योंकि 1 minus cos 2x के लिए था, into root over of 1 plus, और नीचे का rationalization से x square, तो x square और 2x square क्या देगा? माइनस टू इंटू वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ वन प्लस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू इंटू टू इज इक्वल टू कितना? माइनस फोर. खिला कर लिखना है तो लिख लो. ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ रे, हाँ पढ़ाने के ढंग में थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूँ, और यही एक चेंज कर रहा हूँ कि तुमसे सम्स करवाऊंगा. तो रेड नेक्स्ट क्लास से रेडी होके आओगे इस चीज के लिए. हाँ कि कुछ सम्स हम लोग, हम तुमसे सम्स करवाएंगे, क्योंकि ताकि तुम मुझसे कनेक्ट हो पाओ. हाँ मतलब बात क्या था ना कि लास्ट ईयर मेरा एक होप था कि चीजें नॉर्मल हो जाएगा, क्लासेस में आओगे, क्लास आओगे. अब मुझे दुख होता था कि अरे ये ऑनलाइन क्लास, मगर अब मुझे पता चल गया है कि आदमी को रूथलेस होना पड़ेगा टीचर को. अब दुखी करके, अब वो वाला टाइम जा चुका है, क्योंकि अब ये कोई ठीक नहीं है. सितंबर में दोबारा आ जाएगा, अक्टूबर में दोबारा नहीं आएगा, दिसंबर में दोबारा आ जाएगा, मार्च में एग्जाम होने वाला होगा, मार्च में एग्जाम कैंसिल होके सब जून में हो जाएगा 15 दिन का, ठीक है, फिर जून में कैंसिल हो सकता है 4 एग्जाम होने के बाद, फिर अक्टूबर में हो जाएगा. मतलब यू हैव टू बी नॉर्मलाइज्ड इन दिस प्रोसेस. अनसर्टेनिटी में जीना होगा. तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी जब होता है ना, तो वहां पे जब कायोटिक इन्वायरमेंट होता है, तो वहां पे तुम्हें अच्छा करने के लिए तुम्हें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा. यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन. चलो आगे चलते हैं. नंबर टू, ये मैं आगे चल रहा हूं. किसी ने टू निकाला है? टू निकाला? क्या क्या निकालना होगा टू में, बोलो ना. फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस है? ओ सुनो सुनो, ओ सो लैंग्वेज में प्रॉब्लम है. ठीक है, ध्यान सुनो, ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है मुझे ये बोलो. जानते हो 4x - 5/4 में, मगर कह रहा है कि फंक्शन हर समय कंटिन्यूअस है. दो तीन चीज गड़बड़ है सब में. ये ओपन इंटरवल होना चाहिए, ये ओपन इंटरवल होना चाहिए, हाँ, क्योंकि पाई बाय टू में तो ऐसे ही 10x डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. तो आप मुझे बोलो, हाँ तो कहां पे डिसकंटिन्यूअस, मुझे किसी ने कहा था ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा? मगर कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ठीक है, क्योंकि ये वाला वैल्यू कब ले रहा है? पाई बाय फोर में तो नहीं ले रहा है. ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो ना, क्या कह रहा है ये वैल्यू, ये कब ले रहा है जब एक्स का वैल्यू क्या नहीं है? Not equals to π/4. तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो पाई बाय फोर में भी कॉन्टिन्यूस होगा. तो अगर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा एट पाई बाय फोर, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, तब मुझे बोलोगे क्या होना पड़ेगा? तब एफ ऑफ पाई बाय लिमिटिंग फंक्शनल वैल्यू सेम एज क्या होना पड़ेगा? लिमिटिंग वैल्यू होना पड़ेगा या नहीं? यस सर. यस सर. तो दिस इज सेम एज क्या होना पड़ेगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 4, क्या 1 माइनस 10x बाय 4x माइनस पाई. कहीं डाउट है तो बोलोगे, हाँ तुमने ये देखा कि x इज इक्वल टू पाई बाय 4 में प्रॉब्लम था, मगर क्वेश्चन में दिया है कि x पाई बाय 4 नहीं है. अब कह रहा है कि फंक्शन मगर कंटीन्यूअस है, तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम होना पड़ेगा. अब ये कैसे निकालूंगा, कोई मुझे बोलेगा? Substitution. Let theta is equal to क्या ले लूँ? Pi by 4 minus x. तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ limit x tending, मैं directly लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 minus tan of pi by 4 minus theta. ओ, सब theta के term में आ रहा है. तो अगर x pi by 4 की ओर जाएगा, तो theta किसकी ओर जाएगा?
जीरो तो लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो और नीचे तुम्हारे पास फोर एक्स माइनस पाई, जब एलसीएम लोगे तो ये माइनस फोर थीटा होगा. तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. बोलोगे क्या, वन माइनस टेन थीटा बाय वन प्लस टेन थीटा. फॉर्मुला याद आ रहा है, टेन 45 डिग्री माइनस थीटा का होल डिवाइडेड बाय माइनस फोर थीटा. तो अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम लोगे तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो. अरे यहाँ से इसमें कुछ नहीं है रे, ठीक है, टेन ये सब स्टैंडर्ड फार्मूला है. हाँ, दिस इज इक्वल टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस टेन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस फोर थीटा. तो इसका वैल्यू वन, तो माइनस टू बाय फोर इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू खेला खत्म. ठीक है, तुम लोगों में से कोई अगर मुझे कहेगा कि सर मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो मेरे ख्याल में मेरे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास का एक लिस्ट था जो मैंने दिया भी था, मुझे लग रहा है भेज भी देना. हाँ, तभी मैं दे देता हूँ यहाँ पे एक बार. ठीक है, ये लिस्ट मैंने दिया था, मुझे याद है, तब भी मैं दे देता हूँ नीचे. अब लिखना है तो लिखो, ये तरीका ये लिखना है तो लिखो. यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 plus 10 थीटा आना चाहिए. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ थैंक्स थैंक्स. अंतर अंतर नहीं पड़ेगा रे, जीरो हो जा रहा है, मगर थैंक्स है, वो मैंने गलती किया. आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1 plus 10 थीटा डिनोमिनेटर में इज इक्वल. लिखना है तो लिख लो, उसके बाद लास्ट वाला एक सम है वो मैं दे लेता हूँ. जो लोग लिख रहे हैं वो ये सम लिखें, और जिन्हें ये सम देखना वो ये सम है. ये रहा, तो वो आगे वाला सम तो दिखा लीजिएगा. कौन सा? चलो क्या बोलते हो सर? हाँ, 1 plus 10 थीटा थीटा ये तो ये ही एलसीएम, ये वाला ये थीटा ये नीचे नहीं आएगा, ये वाला जब एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 plus 10 थीटा होगा. आया समझ में, कहाँ से आया? यस सर. इनटू 1 plus 10 थीटा, नहीं क्या ये. चलो आगे चलो. यस सर. चलो. यस सर. तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ वन निकालना है, फिर से वही वाला लॉजिक. क्या ये फंक्शन में प्रॉब्लम कहां पे होगा? इस फंक्शन में वन में, वन में. तो ये वन नहीं है, मगर कह रहा है कि वन को वैसा बनाओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. तो एफ ऑफ वन का मतलब फंक्शनल वैल्यू. तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होना पड़ेगा? वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ क्या? हाँ बोलो. एफ वन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन. मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन क्या? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स ट्रिप माइनस एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन. क्या करोगे अब देखो, क्या करोगे ध्यान से देखो. हाँ, दो तरीका है, या तो जीपी लगाओ, नहीं तो एक तरीका ये है कि एन में ध्यान से देखो, एन इंटू वन है या नहीं. तुम्हारे पास एन वन है, ध्यान से सुनोगे. हाँ, ये सब ट्रिक है. तुम्हारे पास एन वन है और ध्यान से देखो, यहाँ पे एन टर्म्स है. इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाइजली. हाँ, डिस्ट्रीब्यूट वाइजली, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है. डिस्ट्रीब्यूट वाइजली, हर समय डिस्ट्रीब्यूट वाइजली, जितना है उतना ही.
मतलब x को एक वन दे दो, x स्क्वायर को एक वन स्क्वायर दे दो, x क्यूब को वन क्यूब दे दो और xn को 1n टू द पावर n दे दो, दे सकते हो या नहीं? Yes, sir. और अब अगर मैं अलग अलग करूंगा तो क्या फायदा होगा, कोई बोलेगा? x माइनस वन कॉमन आए, कॉमन आके नहीं तो एक फॉर्मूला ही था क्या? कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? तो ये वन हो जाएगा, इसका वैल्यू टू इंटू वन टू दिपावर टू माइनस वन, इसका वैल्यू, किसी को डाउट है तो बोलेगा रे, तो हेंस वन प्लस टू। चेक की लाइन में है क्या तू? हाँ सर। तो ये डाउट था ना तेरा? हाँ सर। ठीक है चल। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये आज यहीं पे छोड़ूं? नहीं नहीं नहीं, एक काम करता हूं, हाँ थोड़ा सा डिफरेंसिबिलिटी बढ़ा देता हूं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम करें, हाँ वो ज्यादा बेटर है मेरे पास इस तक का। ये लिख लो हाँ, वरना स्टार्टिंग में ही जब मैं नेक्स्ट क्लास में डिफरेंसिबिलिटी कराऊंगा ना बोर हो जाओगे, तो थोड़ा सा डिफरेंसिबिलिटी देख लो एक दो सब, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिफरेंसिबिलिटी और डिफरेंशिएशन में चले जाएंगे। लिख लो इसको, होने से बोल देना हाँ, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। सर वो आप डाउट क्लास सर कब लेंगे सर? मैं बोल देता हूँ, देखता हूँ आजाद को, अगर मैं फ्री होता हूँ तो एक बार बोल दूंगा, ठीक है? मैं जरा अभी जरा रुक जा, जरा बिजी हूँ इसलिए मेरे हाथ से दिमाग से निकल जाता है। टाइम मैनेज नहीं हो पाता है इतना कुछ, ठीक है आगे चलूं? Yes, sir. लिख लिया? ध्यान से देखो, मैं फिर से कह रहा हूं नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग में मैं नहीं, थोड़ा बोर नहीं करना चाहता हूं इसलिए थ्योरी आज करवा देता हूं। सेकंड टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी स्पेलिंग, ठीक है सर स्पेलिंग आपका गलत है, ठीक है चलो सही स्पेलिंग लिख देते हैं, एनसीईआरटी तो मेरे पास है, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी आई ए बी आई एल आई टी वाई, बी आई एल आई टी वाई, डिफरेंसिबिलिटी। एक फंक्शन कब डिफरेंसिबल होता है? तो एक फंक्शन जब डिफरेंसिबल होता है ना रे, तो एफ डैश एक्स का एक फॉर्मूला था याद है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लास्ट क्लास में लिखते थे, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये एक फॉर्मूला था, ठीक है? मैं मुझे याद है मैंने लास्ट ईयर तुम्हें प्रूफ नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं, मगर प्रूफ बताने के लिए मुझे एफ डैश एक्स नहीं चाहिए। एफ डैश एक्स तो सिंबल है, एक्चुअली में ये होता क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एट कहां पे, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, अगर तुम एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स में टेंजेंट बनाओगे तो उसका स्लोप का ये एक्सप्रेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि हमने इसको एक सिंबल दे दिया एफ डैश एक्स, मगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है या स्लोप ऑफ अ टेंजेंट देता है। सर क्यों देता है, क्यों माने, एकदम सही बात। तो मुझे सिंगल स्क्रीन में बता रहा हूं, एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, मुझे सब पूछूंगा तो बोलोगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? अगर मैं ये लाइन देता हूं, ये लाइन, ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूं एक्स वन कॉमा वाई वन और ये पॉइंट एक्स टू कॉमा वाई टू, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था याद है? सब कुछ लिखोगे नहीं हाँ, मगर अब क्या होने वाला है, अब वही चीज को यहां पे क्या किया गया कि ये x कॉमा एफ ऑफ एक्स है
और इस वाले को तब मैं x प्लस एच ले लेता हूं, तो y का वैल्यू f ऑफ x प्लस एच हो जाएगा, वही था ना x और y, y इक्वल टू अगर f ऑफ x, तब इस लाइन का स्लोप क्या होगा a और b, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1, यहाँ पे y2 क्या है, f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस एच, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस एच क्या, माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस h, तो क्या ये वही एक्सप्रेशन नहीं है जो ऊपर तुमने लिखा था, यस सर, मगर प्रॉब्लम ये है कि सर ये स्लोप ऑफ अ कॉर्ड है, आप गलत बोल रहे हो, ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट नहीं है। हाँ, अब मैंने यहां पे क्या लगा दिया, लिमिट h टेंडिंग टू अस जीरो, तो लिमिट h टेंडिंग टू अस जीरो का मतलब क्या था तब, कि h किसकी ओर जा रहा है, जीरो, तो h अगर जीरो की ओर जाएगा, अभी b यहां पे है सपोज, h और छोटा हो जाएगा तो b यहां पे आएगा या नहीं, तब ये लाइन बनेगा, h और छोटा हो जाएगा तो b यहां पे आ जाएगा, तब ये लाइन बनेगा, तो ये लाइन धीरे धीरे क्या बन रहा है बोलोगे, क्या ये लाइन धीरे धीरे टेंजेंट बन रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले ये लाइन था, पहले ये लाइन था, फिर तुम्हारा ये लाइन बनेगा, पहले ये लाइन था, फिर तुम्हारा ये लाइन बनेगा, फिर तुम्हारा ये लाइन बनेगा, और लास्टली जाके ये लाइन बन जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बना रहे हो तुम, ये अगर नीचे आ जाएगा तो टेंजेंट होते जाएगा, तो इसलिए तुम कह सकते हो कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये इसे लिखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे अभी प्लीज लिखने का जरूरत नहीं है, किताब उताब सब जगह बड़े सुंदर तरीके से ये दिया रहता है, तो स्लोप ऑफ, क्योंकि यहां पे मैंने कुछ सिखाया बताया ही नहीं है, अल्टीमेटली ये और ये एग्जैक्टली सेम ही है, हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने बताया वो ग्राफ में बताया, तो ग्राफ कैसे लिखोगे, ग्राफ तो लिख नहीं पाओगे ना, ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम है, टेंजेंट जब तुम ड्रॉ कर रहे हो तो जरूरी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं तब तुम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हो पॉइंट में, क्योंकि कंटिन्यूअस है, कहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां पे या यहां पे, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए अब मैं पूरा मेन थ्योरी दे रहा हूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू a इफ, पहला कंडीशन क्या था, कुछ मैंने कहा क्या, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मस्ट भी क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूस होना ही पड़ेगा, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, जरा बुद्धि यहां पे बस बुद्धि लगाओ, यहां पे कोई प्रूफ नहीं है, कॉन्टिन्यूस होना ही पड़ेगा, बना कैसे टेंजेंट बनाओगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग आ जाएगा, और अगर ये है तो क्या होना पड़ेगा, तब तब लिमिट एच टेंडिंग टू एस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच मस्ट बी फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, फाइनाइट होना पड़ेगा और इसे एग्जिस्ट करना पड़ेगा, अब फाइनाइट और एग्जिस्ट के लिए कभी कभी दो केस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट है, तो लिमिट निकालने के लिए दो तरीका था, कभी कभी डायरेक्ट लिमिट निकालते थे और कभी कभी क्या करते थे, याद है कुछ, कभी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे, लेते थे या नहीं, यस सर, यस सर, लिमिट, अब मैं लिमिट में हूं और नहीं तो क्या कर, क्या क्या लेते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं तो क्या, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो इसका जो नाम है इसे एफ डैश एक्स कहते थे, तो इसको क्या कहोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए इसे एफ डैश ऑफ एक्स माइनस कहा जाता है, और ये राइट हैंड साइड में इसलिए इसे एफ डैश एक्स प्लस कहा जाता है, इसे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं कहा जाता, इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहा जाता है, और इसे राइट हैंड डेरिवेटिव कहा जाता है, ये लिखना है तो लिख लो, मैं फिर कुछ सम कराऊंगा तो इजी हो जाएगा, मैं जान रहा हूं थोड़ा भी डाउट हो सकता है, लिखना है तो लिख लो, इसे लिख लो, फिर कुछ सम सभी कराऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट लाइन में y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होगा ना? हाँ, डी आई एफ मतलब डिफरेंशिएबल है, हाँ। कैसे?
लिख लेने से मुझे बोल देना। हाँ सर हो गया। एक सेकंड सर। सर हो गया। चलो आगे चलते हैं। चलो प्रॉब्लम चेक। ओ और एक चीज दिखना होगा रे, इसका फिजिकल मीनिंग क्या था एफ डैश एक्स का? स्लोप एफ डैश एक्स गिव्स, ये लिखोगे हाँ, गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। एक ड्रॉ कर लो हाँ, ये थोड़ा सा ड्रॉ कर लो हाँ, वो प्रूफ जरूरत नहीं है मगर ये ड्रॉ कर लो। इस पॉइंट को एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स दो, इस कॉमा को x प्लस एच एफ ऑफ x प्लस एच दे दो। ये a ले लो, ये b ले लो, थोड़ा सा लिख लो मगर हाँ, स्लोप ऑफ इसे a ले लो, इसे b ले लो, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x, थोड़ा सा लिखना जरूरी है, रिविजन में काम आएगा। तो एच h टेंडिंग टू एच जीरो एज एच टेंडिंग टूअर्ड्स जीरो क्या बोल सकते हो, बी ए टेंडिंग टूअर्ड्स टेंजेंट एट ए, ये लिख लो आगे। और ज्यादा डाउट होगा तो ये वीडियो को देख लेना, वीडियो तो रहेगा ही साल भर के लिए। बोलो आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। चलो तो अब जैसे अगर मैं पूछता हूं कि चेक डिफरेंसिबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन एट एक्स इक्वल टू वन सॉल्यूशन। तो डिफरेंसिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना होगा, कोई बोलेगा? Continuity. पहले कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी जब चेक करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 f ऑफ x, तो बोलोगे सर लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वही तो देखो ना, जरूरत नहीं है सर, कैसे बताता हूँ। अरे अल्टीमेटली x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 जब लोगे तो मॉड के अंदर वाला वैल्यू क्या हो रहा है, कोई जीरो वैल्यू हो रहा है। अब अगर जीरो हो रहा है तो दो जीरो लिखिया माइनस जीरो लिखी, बात क्या है? सेम। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई दूसरा नंबर होता तो नहीं, मगर तो ये तो जीरो ही होगा। और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या हो रहा है, सॉरी एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या हो रहा है, ये तो लिमिटिंग वैल्यू मिला ना वन में तुम्हें, एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या हो रहा है? जीरो। एफ ऑफ वन तो इसमें डालोगे ना, एफ ऑफ वन का वैल्यू भी क्या हो रहा है, मॉड ऑफ वन माइनस वन क्या हो रहा है, जीरो। तो क्या मिला, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या मिला, जीरो। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो, y is equal to f of x is क्या? Differentiable. Continuous, नहीं. Continuous, कहाँ पे? At x equal, x equal to 1. अब क्या चेक करना है? Differentiability. Differentiability, तो चेक करता हूँ. तो अब f dash 1 अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस, तो ये हो जाएगा वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय एच। ध्यान से देखोगे दे, अगर एफ ऑफ एक्स का ये वैल्यू है तो एफ ऑफ वन प्लस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा? वन प्लस एच माइनस वन प्लस एच माइनस वन माइनस एफ ऑफ वन का वैल्यू एफ ऑफ टू जीरो था, एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या हो गया वन माइनस, डालते जाओ ना इसमें क्या जीरो डिवाइडेड बाय एच, तो क्या मिला ये? अब यहाँ पे क्या बोलते हो, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो या लेफ्ट हैंड राइट राइट हैंड लेना? लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेना, क्योंकि मॉड एच और एच है तब तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें लेना ही होगा। तो एफ डैश ऑफ वन माइनस जब लोगे तो वो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, तो जीरो माइनस में मॉड एच का वैल्यू प्लस एच या माइनस एच? माइनस। जीरो माइनस मतलब एच नेगेटिव है ना, तो माइनस एच बाय एच, तो क्या मिला बोलो? माइनस वन। एफ डैश वन प्लस का वैल्यू एच बाय एच, मॉड एच बाय एच, क्या मिला? लिमिट एच एच बाय एच इज इक्वल टू वन, दोनों क्या मिला? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस क्या बोलोगे? नॉट डिफरेंशियबल, फंक्शन इज डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल। तुम लोग सर हुआ क्यों, क्या हो रहा है ये सर, समझ में नहीं आया? ठीक है, आपने तो लिख लिया, हुआ क्या, मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब तुम y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब देखो क्या हुआ, ये ग्राफ जब मैंने बनाया क्या फंक्शन वन में कॉन्टिन्यूस है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ या ना? मुझे हाथ उठाना पड़ा या हाथ उठाना नहीं पड़ा? नहीं। अगर ध्यान से देखो, वन में तुम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो क्योंकि एक साफ टर्निंग है। ध्यान से देखो, वन में टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो क्योंकि एक साफ टर्निंग है या नहीं? यस। साफ टर्निंग में तुम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? यस। तो जहां पे फंक्शन साफ टर्निंग लेता है फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, मतलब ग्राफिकली तुम कह सकते हो कि फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट वन, एट क्या? साफ टर्निंग। साफ टर्निंग समझ में आया? हाँ सर। जैसे अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलूं तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। तो आप बोलो ये वाला टर्निंग क्या है, शार्प या स्मूथ? दिखने से क्या लगता है? डिफरेंशिएबल है। निकाल के देख सकते हो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, मगर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर मगर वही चीज अगर ऐसा ग्राफ है तो वो ग्राफ अगर ऐसा ग्राफ है तो क्या बोलोगे? ये टर्निंग क्या है? नॉन डिफरेंशियल, शार्प टर्निंग। ये शार्प टर्निंग है तो क्या बोलोगे? नॉन डिफरेंशियल। शार्प टर्निंग है तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है, समझ में? तो मतलब मैथमेटिकली फंक्शन कॉन्टिन्यूस है मगर अगर टर्निंग शार्प है तो वो नॉन डिफरेंशियबल होगा, मगर अगर स्मूथ है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, टेक योर टाइम। हाँ बोल। हाँ, साफ टेंजेंट होने से टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो ना। कैसे? टेंजेंट ड्रॉ होने के लिए कि कोई एक, देखो टेंजेंट ड्रॉ होने के लिए क्या था कि जब तुम टेंजेंट ड्रॉ होने के लिए कुछ ऐसा नहीं था क्या कि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू में जाए, मगर जब ये साफ टर्निंग होता है, जब मैं एक साफ टर्निंग बना देता हूं जैसे ये वाला बना देता हूं और ये वाला बना देता हूं, तब नहीं होगा ना। देखना, इस साइड में ये वाला आ रहा है, इस साइड में ये वाला आ रहा है, हो रहा है नहीं? हाँ सर। जब तुम साफ टर्निंग करोगे तो वो एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग दे देगा। हाँ, कोई कुछ और भी पूछ रहा था, पूछो। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 होगा ना? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। हां ओके सर। बाकी सब जगह ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि साफ टर्निंग केवल 1 में। सर बोलते जा। सर मेरा, मुझे सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया सर, ये 1 plus h minus 1 कैसा है? कौन सा? ये वाला कौन सा बोल सर? ये लाइफ, ये ठीक है। अगर f of x का वैल्यू, तो यहां पे बोलना, अगर f of x का वैल्यू, अगर f of x का वैल्यू, सॉरी
अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस वन है तो एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा बोल? टी माइनस वन। और इसलिए तब एफ ऑफ वन प्लस एच का वैल्यू क्या होगा? वन प्लस एच माइनस वन। हाँ बोल, अब क्या समझ में नहीं है? हाँ। आगे चलो थोड़ा सा रुकिए सर। सर वो स्टेप मुझे भी समझ दिया ना, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। कौन सा बोल? तो वो अभी अपने उसको समझा रहे थे ना। ठीक है, आराम से। अगर f of x का वैल्यू mod of x minus 1 है तो f of t का वैल्यू क्या होगा? माइनस। मुझे बोलना, तुझे बोलना होगा मुझे, तभी f of x का वैल्यू mod of x minus 1 है तो f of t का वैल्यू क्या होगा? t minus 1। हां t minus 1, तो f of 1 plus h का वैल्यू क्या होगा? ओ अच्छा, हां हां ठीक। आगे चलो। सर ये लिख लोगे? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हाँ तो ग्राफिकली फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंसिबल होता है? जहां पे क्या टर्निंग होता है? शार्प टर्निंग। और प्लीज इसे समझो, प्लीज कॉन्सेप्टली समझो भी, समझ में आ रहा है? शार्प टर्निंग में तुम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। मतलब देखो, ध्यान से देखो, अगर टेंजेंट वहीं पे ड्रॉ होता है जहां पे तुम साइकिल बड़े आराम से चला सकते हो। तुम जब साइकिल चलाते हो तो ये वाले रास्ते में तुम्हें उतर जाना पड़ेगा साइकिल से, क्योंकि जब तुम साइकिल को घुमाते हो तो वो टेंजेंटली घूमता है हर समय। सर्कुलर मोशन हर समय टेंजेंट के अलोंग होता है, तो स्मूथ टर्निंग जब होता है तभी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एकदम साफ टर्निंग मारने से एक साइकिल गिर जाता है। क्यों गिरता है? ठीक है, आगे चलूं? ठीक है, रुक जाता हूं, लिख लूं। सर हो गया। ठीक है, चेक Differentiability of f of x equal to x mod x at x equal to 0. अब x mod x है, हाँ चलो। तो सबसे पहले continuity check करो, क्या होगा? Limit x tending to 0 f of x का value क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स मॉड एक्स, क्या बोलते हो? लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेना जरूरी है, डायरेक्टली बोल सकते हो? डायरेक्टली, क्योंकि जीरो होने के कारण डायरेक्टली बोल सकते हो। और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है? फंक्शन ये है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो। दोनों वैल्यू क्या है? सेम, इक्वल। तो हेंस क्या बोलोगे? कंटीन्यूअस फंक्शन, f of x is continuous। अब क्या चेक करोगे? डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे जब, तो f डैश जीरो का वैल्यू क्या था? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय h, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ h माइनस f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय h। एफ ऑफ एच का वैल्यू एफ ऑफ एक्स एक्स मॉड एक्स है, तो एफ ऑफ एच का वैल्यू कोई बोलेगा? एच मॉड एक्स। एच मॉड एक्स। एच मॉड एक्स। और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू? जीरो। तो मैं छोड़ रहा हूँ, हाँ एफ ऑफ जीरो जीरो है, डिवाइडेड बाय एच। क्या एच एच कैंसिल हो जा रहा है? तो तुम्हें मिला लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड एच। क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड या डायरेक्ट? डायरेक्ट। लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ध्यान से देखना, लेफ्ट एंड राइट लेने से डायरेक्ट भी बोल सकता है क्या? क्यों? और जब तू एस टेंडिंग टू जीरो देगा तो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, इसका वैल्यू क्या हो रहा है? जीरो। तो जीरो ही हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेके क्या फायदा? क्योंकि जीरो लिखा माइनस जीरो लिख, बात क्या होगा? सेम सेम। तो हेंस एफ डैश जीरो जीरो, तो हेंस ये एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस एफ डैश जीरो एग्जिस्ट, तो हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल।
ठीक है, इसका मतलब जब तुम x mod x का ग्राफ बनाओगे तो ये टर्निंग स्मूथ होता है। मैं ग्राफ में नहीं जा रहा हूं, इसका ग्राफ थोड़ा ऐसा होता है, ये एकदम ऐसा 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 ऐसा, ऐसा ये वाला ग्राफ होता है, एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ठीक है, सॉरी ये ऊपर नहीं है, नीचे है ये एक्स क्यूब जैसा, ये एक्स सब पॉजिटिव होता है और फिर जब नेगेटिव होता है तो ये, तो ये टर्निंग जरा स्मूथ टर्निंग होता है, ठीक है। मगर अभी इसमें यहाँ पे ग्राफ में जाने का जरूरत नहीं है, ये सब इसी से, ये लास्ट सम था, चलो आज का लिख लो, मैं आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ। मैं असाइनमेंट सीट आज तुम लोगों को, अभी अभी मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग को एक वो मुझे अच्छा लगेगा अगर आज रात तक तुम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 मुझे सबमिट कर पाओ तो। 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन सबमिट करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग मुझे इवन नंबर प्रॉब्लम केवल सबमिट कर लो, मतलब 17 ऑड नंबर ही कर लो, तुम लोग मुझे ऑड नंबर प्रॉब्लम सबमिट कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। आज रात तक एनसीईआरटी 5.1 में ऑड नंबर प्रॉब्लम सबमिट कर लो, ऑड नंबर प्रॉब्लम्स, तो मतलब टोटल 34 सम्स है, टोटल 17 सम्स हो गया, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं करोगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। हो गया, लिख लिया? यस सर। यस सर। तो मैं डिफरेंसिबिलिटी में नेक्स्ट क्लास में और एक डेफिनेशन दूंगा, ठीक है। तो पहले ये डेफिनेशन को कर लो, डिफरेंसिबिलिटी का मैं और एक डेफिनेशन दूंगा वो नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद डिफरेंसिबिलिटी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। चलो ठीक है, चलो बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। ओके बाय सर।